हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका अड्डा 24/7 CUET हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज का सेशन बच्चों बहुत ऑसम होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे होने वाले हैं 10 सवाल और बेमिसाल। बच्चों जो ये सीरीज चल रही है कल से, ये कंटिन्यूटी में है और आप लोगों के लिए ही चल रही है, स्पेशली बोर्ड को टारगेट करते हुए, CUET के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये चल रही है। और बेटा बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए थे एग्जाम्स में, वो सारे के सारे बच्चों हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ बच्चों हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है प्रबल बैच चल रहा है, तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन ना लिए हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर बच्चों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस बैच पर बच्चों अभी दिवाली के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, 25% बच्चों इसमें ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें और डिस्काउंट दे दो, क्योंकि न्यू टीचर आए हैं, नए सर आए हैं, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ डिस्काउंट देके जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल हमने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा ही है, तो इसीलिए अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं SCS17, तो बेटा आपको मिलता है इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट। तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। इस बैचेस के अंदर बच्चों स्पेशली आपकी बोर्ड की तो तैयारी होगी ही होगी, साथ में बच्चों CUET की प्रिपरेशन भी होगी, क्योंकि भाई CUET में वही चैप्टर्स आपके आ रहे हैं जो बेटा बोर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो NCERT से हटाए गए बच्चों, लेकिन वो भी हमने CUET के अंदर कवर किए, क्योंकि वो हमें वहां पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो बेटा CUET पर फुल सिलेबस आपका आता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं अपनी बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और सारी चीजें करना चाहते हैं, तो बेटा वो बैचेस के अंदर इनरोल हो सकते हैं। बैचेस के अंदर बेटा हमारे जो नोट्स हैं बेटा, आपको डेली नोट्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, डेली बेटा लाइव क्लासेस होती हैं, आप लाइव क्लासेस जब हो जाएगी उसके बाद आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ साथ में बच्चों आपको मिलते हैं यहाँ पर PYQs मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती है, ताकि आपकी तैयारी बच्चों और अच्छी हो सके। और साथ साथ में बच्चों आपका डाउट सेशन स्पेशली होता है, अगर लाइव क्लास के दौरान बच्चों अगर आपको कोई छोटी सी भी समस्या होती है, कोई छोटा सा भी डाउट होता है, तो आप तुरंत जो है डाउट सेशन पर क्लिक करके बच्चों डायरेक्टली हमसे डाउट आप अपना क्लियर कर सकती है। इसी के साथ साथ बच्चों इस पेड बेसिस के अंदर एक वीक में एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका डाउट सेशन भी रखते हैं, ताकि किसी कारणवश अगर हम किसी बच्चे का डाउट क्लियर नहीं कर पाए तो सेशन में उसका भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप जल्दी से इसमें लॉल हो सकते हैं बिना किसी टाइप को वेस्ट किए हुए। अगर आपको इस बैचेस को सब्सक्रिप्ट लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं हो समझ में, तो बेटा आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो बेटा क्लिक करते ही गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपका नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, आप कौन से सर से बात करना चाहते हैं ये पूछेगा। तो भाई हमारा नाम शेखर सती सर है, आप अच्छे से जानते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, या अगर उस पर मेरा लाभ नहीं होगा तो अदर टीचर करके लिखा होगा, मेरा नाम लिख देना अदर्स शेखर सर करके, उस पर लाभ सर्च कर सकते हो बच्चों। तो वो जो डायरेक्टली है वो लिंक जो है मेरे पास पहुंच जाएगा और हम डायरेक्टली बेटा आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो बेटा मेरी मेल आईडी पर भी मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आपको ये बेस में इनरोल होने में कोई भी समस्या आती है तो। ठीक है बच्चों, अड्डा 24/7 ऐप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, तभी बेटा आपको ऑफर मिलेगा। इस पे एक चीज और चल रही है आजकल, स्पिन करके बेटा, जैसे आप चरखा घुमाते हैं ना, टक क्लिक करते हैं और वो घूमता है, फिर किस नंबर पर जाता है, 25% डिस्काउंट, 30 डिस्काउंट, 40 डिस्काउंट, 50 डिस्काउंट, तो जितने भी चरखा जाएगा बेटा उतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपकी किस्मत अजमा के देखो बेटा, बोली क्या पता आपको और ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी करके देखिएगा, और साथ साथ में भाई ये कोड लगा ला मत भूलना बेटा, क्योंकि इससे और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, इसमें तो मिलेगा मिलेगा, प्लस इससे भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो लॉल हो जाला। चलो बिना किसी टाइप को बच्चों वेस्ट किए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, और बढ़िया सा सेशन बच्चों आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब बच्चों क्वेश्चन सब आज के सेशन में आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को बेटा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे सबके सब लाइव आ जाए बेटा, जल्दी से बेटा फटाफट से। ठीक है,
चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। और देखिए, आज के सेशन का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब हमें जो मोलरता निकालनी है, वो इसका निकालना है 1.30 ग्राम, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस 6S2, कोबाल्ट नाइट्रेट है, 4.3 लीटर विलयन में घुला हो, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी बच्चों, आपको बता ली है। और आपको साथ साथ में इसका आणविक द्रव्यमान भी दिया गया है। ये थोड़ा रॉग प्रिंट हुआ है, 290 सप्तक इसका आणविक द्रव्यमान होता है बच्चों, 290.0 सप्तक होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अभी, ठीक है। देखो, अब इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे बच्चों, मोलरता वाले जो क्वेश्चन से है आपके बोर्ड में बेटा बहुत बार आए हैं, इसको कैसे करते हैं बिल्कुल डीपली जाना के आपको बच्चों, बस सेशन में भले रहना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करना है, ताकि आने वाले जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी का बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है सारी चीजें सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए बेटा आगे को चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा मोलरता ज्ञात करने के लिए बच्चों, क्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या हमें निकालना है, ये सबसे जरूरी होता है। तो बेटा हमारे पास यहां पर जो विलेय पदार्थ है वो अपने पास ये है, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम जल में डाल देते हैं, ठीक है, कॉपर कोबाल्ट नाइट्रेट को अगर हम जल में डाल देते हैं बच्चा, तो अपना विलयन बन जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बेहतरीन। अब विलेय पदार्थ अपने पास से, और ये कितना दिया है, 1.30 ग्राम, तो यानी हमारे पास यहां पर विलेय का द्रव्यमान है सर। क्या है बच्चों हमारे पास? विलेय का द्रव्यमान। क्या बेटा हमारे पास यहां पर? विलेय का द्रव्यमान। और बच्चों विलेय के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? WB से। और WB इक्वल टू कितना है? 1.30 ग्राम। क्वार्टेट बच्चा पार्टी कितना है बेटा? 1.30 ग्राम है। किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी बोलो, कुछ टेक्निकल इशू रहा बच्चों? चलो सही हो जाएगा अभी। ऐसा लाइन लाइन करके, ठीक है अभी अभी हो जाएगा बेटा, सही, अपने आप सही हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। चलो इतना सबको समझ में आया, विलयन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना बेटा जल्दी से बता दो, ठीक है, 7 ग्राम पर मोल। देखो बच्चों, अब विलेय का द्रव्यमान ही हो गया, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, यानी इसका मोलर द्रव्यमान। विलेय का बेटा, विलेय क्या है यहां पर? दिस इज विलेय, ये विलेय है, ठीक है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 290.7 ग्राम पर मोल। बच्चों मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इससे पहली वाली वीडियोस में बेटा मैंने 3-4 बार बता रखा है, ठीक है। तो बार बार अगर वही चीज बताए तो उसमें समय व्यतीत होता बेटा, इसीलिए अभी डायरेक्टली आपको बता दिए हैं। और ये आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 12 में आप पहुंच गए, तो बेटा इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो देख ला, ऑलरेडी 3-4 बार बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आती है? चलिए बहुत बेहतरीन। अब बच्चों आपको यहां पर विलयन का आयतल भी दिया गया है, तो यहां पर आप लिखेंगे विलयन का आयतल, विलयन का आयतल। बहुत शानदार बच्चों, यहां पर हमको जो विलयन का आयतल है वो लीटर में दिया है बेटा। कितने में दिया बेटा? लीटर में। और क्या लिखा है? 4 पॉइंट कितना लिखा है? 4.3 लीटर। तो बच्चों लीटर वाला ही फॉर्मूला यूज करो, अगर लीटर में दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करके मिली लीटर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
तो बच्चों आप चाहो तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो और आप बेटा मोलरता को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलो भाई चलते हैं आगे। सबसे पहले बच्चा मोलरता का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों क्या होता है, देखो पहले हम विलेय मोल निकाल लें सबसे पहले, क्योंकि मोल निकालने जरूरी है, मोलरता के फॉर्मूले में आता है। तो विलेय पदार्थ की मोल, यानी विलेय कौन सा है, दिस वन इज विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। इतना सभी को समझ में आया तो कमेंट्स में बता दो यस, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 1.30 है, तो यहां लिखेंगे 1.30 अपॉन, यहां पर हमको विलेय का मोलर द्रव्यमान बेटा कितना है, ये है, ठीक है, तो ये रख दिए 290 पॉइंट कितना है, 7 है, तो 7 रख देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे बच्चों पहला हमारा काम होता है पॉइंट्स को हटाला, तो ये पॉइंट्स के चक्कर में बच्चों हमको पढ़ना ही नहीं है, अगर हम पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पढ़े ना तो हमारी बेटा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो बच्चों कभी भी हो पॉइंट्स से बचा करो। आप बेटा देखो पॉइंट्स को बचाने के लिए क्या करेंगे, बेटा देखो पॉइंट्स के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, और ऐसे ही यहां पर भी आपका देखो पॉइंट्स के बाद एक नंबर है, तो बेटा एक जीरो ऊपर बढ़ा दो और ये 130 हो जाएगा, ये 2907 हो जाएगा। और बच्चों देखो यहां पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, आप कहोगे सर आप दो नंबर है जीरो भी तो है, बेटा पॉइंट्स का जीरो की वैल्यू नहीं होगी, तब नहीं होती जब पीछे से नॉन जीरो डिजिट नहीं हो, जब तक तो यहां पर जीरो की वैल्यू नहीं होगी, इसको सिर्फ 1.3 मानेंगे अपन, तो इसलिए एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो बढ़ेगा, और इस जीरो से बच्चों ये जीरो भी कट जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 अपॉल कितना आया, ये 2907 इतना आया, 2907 बोलो क्या इतना आया, जल्दी बच्चों हटगी सॉल्व होगी ना प्रॉब्लम, अब नहीं हो रहा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, 290.7 बेटा इसको जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितने मोल आएंगे, जल्दी से बच्चों कितने मोल आएंगे, फटाफट से डिवाइड करके जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कितने मोल आपके आएंगे फटाफट से, जो बच्चा जितनी जल्दी बताएगा उसको सर अपनी ओर से देगी एक बढ़िया सी चॉकलेट, लोगेला चॉकलेट पक्का, चलो डल आपके घर भिजवा देगी कुरियर करके, एड्रेस लिख देना कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो खत्म हो जाएगी ना कमेंट सेक्शन में एड्रेस लिख देना बस, ठीक है कुरियर कर दिया जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट से बताओ कितना आएगा, कमेंट डाउन बच्चा पार्टी। अरे बच्चों एक प्लेट एक प्लेट एक प्लेट एक प्लेट, ये क्वेश्चन पहला 1.30 ले, ये कुछ और था बच्चों, चलो 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 कोई बात नहीं, फटाफट से बताओ कितना इसका आंसर आएगा जल्दी से, जो जितना जल्दी बताएगा भाई उसको इनाम मिलने वाला है, तो सोच लो आप कितना जल्दी आप बता सकते हो, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी बेटा आपको मिलेगा, जल्दी से सभी लोग। जल्दी बताओ बच्ची, देखो कितना रहा है, 0 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, 0000 इतने बच्चों मोल हो जाएंगे, इतने क्या हो जाएंगे मोल। बच्चों जब आप मोल की संख्या निकाल लेते हो ना तो मोलरता निकालना बहुत आसान हो जाता है, यस या नो, यस, अगर आपने मोल निकाल लिया तो बेटा बहुत आसान हो गया मोलरता निकालना, बहुत इजी बच्चों आपका मोलरता निकालना हो जाएगा। चलो देखो इतना कर दिया चलते हैं, अब अगर आपको क्या निकालना बेटा, अगर आपको आगे निकालना मोलरता, तो मोलरता इक्वल टू क्या होता है,
बोलटता इक्वल टू होता है विलय के बोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बच्चों चूंकि आयतन लीटर में दिया है और हमने उसको वहां मिलीलीटर में बेटा कन्वर्ट नहीं किया था, किया था नहीं किया था ना, हाँ तो क्या लीटर में दिया है तो यहां थाउजेंड नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखो बच्चों। जब यहां आयतन मिलीलीटर में होता बेटा तभी यहां थाउजेंड लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आती है? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो 4.3 दिया था आपको आयतन, तो बेटा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पहले किसमें, मिलीलीटर में, 4300 सब कुछ आएगा। तो जब आप उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बच्चों फिर आप यहां पर इंटू थाउजेंड लिखेंगे, ये बात समझ में आती है, तब आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो चाहे आप वैसे करो चाहे आप ऐसे करो बेटा आंसर आपका वैसे ही आला है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब विलियन के बोलों की संख्या कितनी थी, 0.00004 इतनी थी क्या, देखे एक बार, 0.00004 यस इतनी ही थी सर, बहुत बढ़िया। बच्चों विलयन का आयतन कितना दिया गया था, 4.3 था शायद ना, 4.3 किधर गया आयतन, दिस इज आयतन, ठीक है बच्चों 4.3 था, तो आप ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए 4.3। बच्चों जल्दी से करके दिखाओ इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो पहले तो भाई ये पॉइंट का खेल हटा दो ताकि कैलकुलेशन करना और आसान हो जाए। तो बच्चों क्या करने वाले हैं अपन, देखो इसको लिखो 44 और 1 2 3 4 5 पांच जीरो बढ़ा दो नीचे, इसको लिखो 43 1 2 3 4 5 तो बच्चों ने 5 जीरो जो है नीचे बढ़ा दिए है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो बहुत बढ़िया, 5 जीरो नीचे बढ़ा दिए। अब देखो बेटा ऊपर कितने जीरो लगेंगे, तो बेटा यहां देखो इस दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है तो बच्चों ऊपर एक ही जीरो लगेगा। क्या ऐसा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा क्या ऐसा होगा, यस या लो, क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो हम क्या कर लेंगे, काट देंगे, तो भाई हमारे पास कितना आएगा, 44 अपॉन 43 1 2 3 4 आएगा इतना। क्या आप बालते हो हमारे पास इतना आएगा, यस या लो बच्चों कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग बताएं क्या हमारे पास इतना आएगा, पक्का ना, डन है, चलिए बहुत बढ़िया इतना आएगा। अगर इतना आएगा तो बच्चों जल्दी से बताओ इसको डिवाइड करके कितना आएगा, जल्दी से। आप चॉकलेट जिसको चाहिए वही इसका आंसर बताएगा भाई फटाफट से, चॉकलेट जिसको चाहिए ना वही इसका आंसर बताएगा, और किसको चाहिए उसी को मिलेगी इसका आंसर बताएगा, उसी को मिलेगी जो इसका आंसर बताएगा, फटाफट से जल्दी से डिवाइड करके बताओ ये कितना आने वाला है, फटाफट से बच्चों जल्दी से, ये कितना आने वाला बेटा जल्दी से इसका आंसर बताएगी आप लोग, ठीक है ये कितना आएगा बच्चों जल्दी से आंसर बताओ, कितना आएगा आपका आंसर, कौन इसका सबसे पहले जवाब देगा वह अब देखते हैं, जल्दी से आप लोग दे सकते हैं। जल्दी बताओ कितना रहे है, फटाफट से बच्चा पार्टी जल्दी से कमेंट डाउन कितना रहे, जल्दी से सभी बच्चे बताएं कितना आएगा, 125
पच्चीस 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 पॉइंट कितना, एट समथिंग कुछ। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, फाइव एट समथिंग कुछ आ सकता है, इतना चल जाएगा। तो समथिंग बच्चों ये जो है आपकी इस विलियल की बॉलरता फाइंड आउट होके बेटा आ चुकी है। ठीक है ना, कोई इश्यू किसी को तो बताइए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां पर इसका मात्रक भी हम लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर भी बच्चों लिखोगे। अगर आपने इसका मात्रक नहीं लिखा तो एग्जामिनर बेटा आपके मार्क्स काट सकता है, फिर इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जब भी अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो मात्रक बेटा आप जरूर लिखेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, चलें अब आगे। ठीक है चलो आगे सर, ये क्वेश्चन हो गया, सबके समझ में आ गया, कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं दिख रही भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों और भी आपके लिए जबरदस्त, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए और भी जबरदस्त, और बेटा ये बोर्ड में ना 3 से 4 बार पूछा गया था, अगर मैं 2022 के पेपर से पीछे को देखूं तो 3 से 4 बार बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पेपर में। अब जल्दी से बता दो भाई ये क्वेश्चन किस किस को आता है और किस किस ने पहले किया है, टेल मी, ये क्वेश्चन किस किस को आता है और किस किस ने क्वेश्चन बेटा पहले किया है, तो जल्दी से बच्चों आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। ठीक है, किस किस ने किया है भाई बता दो फटाफट से, कौन कौन कर सकता है इसको? हाँ जल्दी बताओ बच्चों, कौन कौन कर सकता है बताओ। तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन क्या लिखा है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस जिसका नाम होता है H2S, बच्चों जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ला, अगर आप कभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो जब भी आप इस गैस को स्मेल करेंगे बेटा तो ये सड़े हुए अंडे जैसी से बदबू आती है। ठीक है, ऐसी स्मेल आती है, बदबू नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जब इसका हम गुणात्मक विश्लेषण करते हैं यानी जब हम इसका बेटा प्रैक्टिकल करते हैं तो ये उपयोग में की जाती है। ठीक हो गया जी, अब ये कहता है भाई यदि H2S गैस की जल में STP सर, STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर, यानी विशिष्ट ताप एवं दाब, तो बच्चों विशिष्ट ताप जो होता है वो 298 केल्विन होता है, कितना होता है 298 केल्विन, और जो अपने पास दाब होता है 1 bar 180 m। क्लियर? अच्छा, STP पर जो विलेयता है बच्चों इतनी दे रखी है, विलेयता मतलब ये सीधे सीधे मोल हो गए, क्या हो गए सीधे सीधे मोल, जब भी विलेयता बोले तो समझ जाना भाई मोल दे दिया, H2O में H2S के मोल दे दिया 0.0195, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। फिर पूछता है हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, हेनरी स्थिरांक को बच्चों आपको निकालना है, यानी इस क्वेश्चन में आपको कुल मिला के KH को फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना बेटा, KH को फाइंड आउट करना है, क्या ये बात सबको समझ में आती है, यस या नो, जल्दी बताओ क्या निकालना है इसमें, KH को निकालना है, तो KH कैसे निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों देखो आपने हेनरी नियम अगर पढ़ा होगा तो हेनरी नियम ये कहता है कि जो प्रेशर होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसे डाल्टन ने आके बीच में बोला था, क्लियर हुई बात? ठीक है, जबकि उन्होंने बोला था विलेयता एम प्रोपोर्शनल टू पी, ऐसा हेनरी ने बोला था, लेकिन हेनरी के ही समकालीन थे कौन, डाल्टन, तो डाल्टन ने बच्चों थोड़ा सा इस लॉ में थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दी थी, ये देखो ऐसा हेनरी ने बोला था। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे ही बीच में डाल्टन साहब घुसते हैं वो कहते साहब आपने बिल्कुल सही बनाया है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो, वो कहते क्यों ना आप इसको ऐसे लिख दो, कैसे ऐसे लिख देते तो बहुत अच्छा हो जाता,
हाँ ऐसा बोलते हैं। तो बेटा जब इसको ऐसे करते हैं ना, तो भाई यहां पर एक कॉन्स्टेंट आता है, जब इस साइन को बच्चों हटाते हैं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर एक नियतांक आएगा ही आएगा, और वो नियतांक होता है के एच इंटू एक्स। ये बात समझ में आती है बच्चों? और इस केच को ही हम क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक या फिर हेनरी नियतांक, हेनरी कॉन्स्टेंट। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमें मोल प्रभास निकालना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? मोल प्रभास बेटा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा क्वेश्चन। अच्छा और क्या निकालना पड़ेगा? चलो सबसे पहले मोल प्रभास ही निकालो, बाकी बात की चीजें बाद में देख लेंगे, क्योंकि केस निकालने के लिए फिर पीसेस को डिवाइड कर देंगे, पी के डिवाइड में चले जाएगा तो केएच निकल जाएगा। क्लियर? तो बेटा यानी पी एच टू एस इक्वल टू, यानी प्रेशर किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, के एच किसका, हेनरीज कॉन्स्टेंट, एल टू क्या हो जाएगा, एक्स एच टू एस, क्या ऐसा हो जाएगा, यस या नो, जल्दी से बच्चों बोलो फटाफट से, क्या ऐसा हो जाएगा। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, इतना लोड कर लिए हो तो बेटा जल्दी से इतना फटाफट से बेटा लोड कर लो, जल्दी से बच्चों इतना लोड कर लो फटाफट से, ठीक है? हाँ तो बेटा देखो आपकी विलेयता एम, ये एम एम का मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम जल में इस एच टू एस के 0.195 मोल घुले हैं। पहले इसको समझ लो यार भाई, तुम तभी तुम्हें समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चों 1 किलोग्राम जल में एच टू एस के मोल घुले हैं, कितने, 0.195 मोल घुले हैं। ये बात समझ में आती है, यस या नो? यानी बच्चों आपको सीधे सीधे एच टू एस के मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की संख्या क्या कर रखी है बच्चों, दे रखी है, यस या नो? यस। आप कितनी दे रखी है, एन एच टू एस इक्वल टू 0.195 इतने क्या मोल। अच्छा जी, इतने मोल दिए हैं, ओके ओके, इतने मोल दिए ना, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। अब बेटा देखो इसके बाद हम किसके मोल निकालेंगे, एच टू ओ के ना, इसके भी तो मोल निकालने पड़ेंगे। तो सर एच टू के मोल निकालने के लिए तो एच टू का द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो बेटा बोले है ना 1 किलोग्राम, ये देखो इतना बड़ा लिखा है यहाँ, तो बेटा एच टू के मोल निकालने के लिए क्या लिखेंगे भाई, देखो एच टू ओ के मोलों की संख्या निकालो, चलो पहले जल्दी से निकालो एच टू ओ के मोलों की संख्या, क्योंकि बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एच टू ओ के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी बताओ, एच टू ओ का द्रव्यमान अपॉन एच टू ओ का मोलर द्रव्यमान, यही तो होगा ना, पक्का यही होगा ना, ऐसे ही तो निकालते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो एच टू का द्रव्यमान कितना होता है बच्चे, यहां दे रखा है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, अपॉन एच टू का मोलर द्रव्यमान 18। बच्चों इतिहास गवाह, इसको 10 बार डिवाइड कर चुके हो, कितना आएगा सर, 55.56, क्या ऐसा आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। अबे 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 कहाँ हो गया भाई, पानी गिर गया होता बच्चों, चलो जल्दी से बता दो फटाफट से, कैसा आएगा हमारा, जल्दी से बताइए। यस या नो? यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके क्लियर हो गया, ये चीज सबको सब बात ही है, हो गया। अब क्या करेंगे, जब आपने इसके मोल निकाल लिए ना, तो इसका मोल प्रभास भी तो निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा ना, एक्स एस टू एस, एक्स एस टू एस क्या मतलब, एच टू एस का मोल प्रभास, ये बेटा हमको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में लेके, यहां पर तो होगा भी नहीं, लो बच्चों आप लिखो यहां पर एच टू एस का मोल अंश या फिर मोल प्रभास, बेटा कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है?
तो इसको हम XH2S लिख देंगे ऐसे करके। और कैसे निकालते हैं मूल प्रभाज? देखो, जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है बच्चों, उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे H2S के मोलों की संख्या, H2S के मोलों की संख्या। अभी आपको सिखाए हैं बेटा मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, इससे पहले वाली क्लास हुई है ना, उस पर बच्चों मैंने अच्छे से सिखा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो H2S के मोलों की संख्या अपॉन हो जाएगा H2S के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस बच्चों यहां पर हो जाएगा H2O के मोलों की संख्या। किसका आएगा? मोलों की संख्या। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? लो सर, अब देखो H2S के मोलों की संख्या कितनी है? कितने दिए थे बेटा H2S के मोल? कितने दिए थे? यहां लिखे कहीं, हाँ 0.195। बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिखो बच्चों 0.195 अपॉन, क्लियर है? H2S के मोलों की संख्या 0.195 प्लस किसके? H2O के मोलों की संख्या। तो बेटा H2O के मोल कितने आए थे? 55.56 शब्द ऐसा कुछ आया था। चलो भाई लिख दो इसको भी ऐसा ही। अब मुझे बता दो भाई फटाफट से कितने मोल आपके आने वाले हैं, जल्दी से बता दो बच्चों कितने मोल आपके H2S के, यानी कितना मोल फ्रैक्शन यहां पर आएगा। कमेंट डाउन बच्चा पार्टी, जल्दी से। ठीक है, एक तो ये अपने पास हो जाएगा 0.195 अपॉन 55 ही होगा ना, हाँ 55.5 तो ऐसे ही रहेगा। ये 9 और 6 हो जाएगा बेटा 15, और 1 5 और 1 6 और 1 7 सप्ती कितना हो जाएगा? ये 7.55 सप्ती की ही आ रहा बच्चों। अब फटाफट से इसको कर दो डिवाइड। देखो भाई दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी। 3 अंक है ना, देखो यहाँ सेम चल रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे वैसे भी, तो आपने पास आएगा 195 अपॉन 55.755। क्या ऐसा ये आएगा? और अगर ऐसा आएगा तो भाई डिवाइड करके क्या आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से कितना आएगा डिवाइड करके, जल्दी से बच्चा पार्टी। ये डिवाइड करके कितना आने वाला है? कितना आएगा? 0.00 कितना? 35 क्या मोल? नहीं, मोल फ्रैक्शन है ना बच्चों, मोल नहीं होगा। हाँ एक बिना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, मूल प्रभाज का कोई भी मात्रक बच्चों नहीं होता है, इसीलिए नहीं आएगा। बात समझ में आती है? हाँ चलो, एक मुन्ना यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान उसका कहीं और ही है, पढ़ नहीं रहे हैं बालक, कहाँ ध्यान गया है? समझ गए हैं, क्लास में बगल वाली पर ध्यान गया, यहाँ ध्यान लगा लो थोड़ा सा, पढ़ने में मस्त रहोगे तो तंदुरुस्त रहोगे, बोर्ड में अच्छा नंबर लाओगे, वहाँ भवरी आ जाओगे बेटा। तो अभी उम्र ही ऐसी है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ दो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी बालक, क्लियर है? हाँ, ये चीज़ बाद में भी कर सकते हो, कब? जब करियर बन जाए अपना तब, क्लियर? बहुत बेहतरीन। चलिए, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है बच्चों। अब हमें जो निकालना है वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो देखो, KH निकालना है, यस या नो? यस, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगर हमें KS निकालना है तो बच्चों एसटीपी पर जो H2S का आयतन होता है, H2S का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहां पर एसटीपी बोला ना, तो देखो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर याद कर लेना इसको, एसटीपी पर H2S का दाब कितना होता है? तो बेटा वो होता है 0.987 bar, याद रख लो बच्चों,
इसको याद रख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया तो बेटा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। हो सकता है वैसे आपको एग्जाम में दे दे, क्वेश्चन में दे दे, बाय द वे अगर नहीं दिया गया हो तो बेटा, तो प्लीज ये क्वेश्चन ही ऐसा है, आप इसको याद रख लेना बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगर आपको ये याद हो गया है तो चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना, अभी आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर उधर कि PH2S इक्वल टू KH इंटू XH2S, क्या आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था पीछे? यस सर। आपको निकालना क्या था? KH। तो जब KH बच्चों निकालना है तो भाई इस H2S का इधर क्या काम, इस X का क्या काम, इसको भेज देंगे डिवाइड में। क्या ऐसा पल करेंगे? यस या नो बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चों फटाफट बताओ। यस करेंगे, बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा करेंगे तो बच्चों देखो बहुत आसान हो जाएगा वाले क्वेश्चंस को करला, बहुत आसान। कैसे सर? आओ बता ही दे रहे बालक, चिंता कर बात नहीं है, तुम चिंता मत किया बच्चों, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ चिंता नहीं कर ली है, जब तक सर है ना बच्चों केमिस्ट्री में आपको धुरंधर बना देंगे। देखो न्यूमेरिकल कितना आसानी से आपके हो रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही हमने इसी से करी है, लेकिन जब चैप्टर में आ गए ना कंटिन्यूटी पे तो बेटा मजा आ जाएगा फिर। अब केएच कितना हो जाएगा? केएच इक्वल टू, देखो बच्चों कलर दूसरा चूज कर लिया जाए, ओके, क्योंकि एक ही कलर हो रहा है, ओके। केएच पीएच2एस एच2एस का प्रेशर 0.87, गॉट इट, 0.87 अपॉल इसके बोल की संख्या, वो कितनी आई थी? वो आई थी 0.0035। यस या नो? यस, ओके। चलो बच्चों क्या पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा? अरे रे 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 रे, नहीं, हर एक बात में काम नहीं करेगा बच्चों, जीरो बढ़ा के करो, ठीक है। के एच इक्वल टू, देखो ये हो गया 9087। अब क्या करो बच्चों, पॉइंट्स के बाद यहां पर तीन अंक हैं तो तीन जीरो नीचे बढ़ेंगे और ये 35 हो जाएगा। तीन जीरो नीचे बढ़ा दो, एक दो तीन, बेटा यहां पर देखो दशमलव के बाद चार अंक हैं, एक दो तीन चार, तो चार जीरो ऊपर, एक दो तीन चार। क्यों बात है, क्या चीज है पैसा, हाँ जी क्या बात है, क्या चीज है केमिस्ट्री। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, तीसरों से तीसरा जीरो, बेटा बचे का क्या बचा हमारे पास? केएच इक्वल टू लाइल एट सेवल, लाइल एट सेवल जीरो अपॉन 35। क्या ऐसा बचेगा? कमेंट डाउन, क्या ऐसा बचेगा? अब फटाफट से जो जल्दी डिवाइड करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, तो जल्दी दिखाओ इसका डिवाइड कितना आएगा, जल्दी से चॉकलेट जिसको चाहिए वो फटाफट करेगा भाई, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, ठीक है। कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा? कितना आएगा? मजा नहीं आएगा, फटाफट बताया करो भाई, कितना आएगा बच्चे? 282 बार आएगा। हाँ, किस किस का ये आंसर आ रहा है, किस किस का ये आंसर आ रहा है बताओ फटाफट से, जिसका आ रहा है भाई उसको मिलेगी चॉकलेट, उसको चॉकलेट मिलेगी। चलो बहुत शानदार, नहीं लेंगे ऐसे नाम, नहीं लेंगे, जब 10 लोग एक साथ कल्चर करेंगे तब नाम लेंगे। यस 282 बार, आई बात समझ में? क्यों मुन्ना, आई ना? चलो बहुत बढ़िया, चले फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। ओके, थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं बच्चों पहले। अरे भाई ये कॉपी में पहले में थोड़ा सा, बेटा एक मिनट, हाँ मजा आना है सर क्वेश्चंस को करने में, बहुत शानदार बच्चों। चलो ये तो आ गया भाई सबका आंसर, क्यों किसी को दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया बच्चों। आओ ले चलते हैं तुमको अगले वाले प्रश्न की ओर, ले चले तुमको अगले वाले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों अगला वाला प्रश्न ये है,
अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, और जिसको करले में मजा आ जाए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बच्चों? 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्पदाब, शुद्ध जल का वाष्पदाब बोला है, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आया पता है कहां से, जानते हो? ये आया है वाष्पदाब के अवनमन से। पढ़ा था ना वाष्पदाब का अवनमन, क्या होता था फॉर्मूला, क्या होता था फॉर्मूला गुरुजी? ये होता था क्या, पी लॉट ए माइनस पी ए अपॉल पी लॉट ए, हाँ जी, इक्वल टू इधर क्या होता था एक्स बी, यानी विलय का मूल प्रभाज। क्लियर हुई बात? ये फॉर्मूले से बच्चे प्रश्न होने वाला है। अच्छा तो देखो भाई, ये वाष्पदाब जब बोल दिए समझ में आ गया भाई, तो बोला देखो शुद्ध जल का वाष्पदाब, शुद्ध जल का मतलब ये है बच्चों, जब हमने जल में विलेय पदार्थ नहीं मिलाया था तब उसका वाष्पदाब क्या था। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान देना, पहले ये फॉर्मूले में समझ जाओ किसको क्या कहते हैं, तभी तुमको एक क्वेश्चन समझ में भी बच्चों आएगा। तो देखो बेटा, इस पी लॉट ए को अपन बोलते हैं, ध्यान से देखो, इस पी लॉट ए को अपन बोलते हैं विलायक का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में, विलायक का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, शुद्ध अवस्था में यानी इन प्योर स्टेट। ठीक है बच्चों, देखो भाई जब तक ये नहीं आएगा तब तक मजा भी नहीं आएगा ना बच्चा बाटी। चलो ओके सर, सर पीए क्या है फिर बच्चों? पीए को अपन बोलते हैं विलयन का वाष्पदाब, क्या बोलते हैं बच्चों? विलयन का वाष्पदाब। बोलो किसी को कोई दिक्कत? इस पीए को भाई पी टोटल बोल सकते हो आप, पीए बात बोलो उसको पीटी बोल दो, चलो पीटी, लो पीटी कर देते, इसकी पिटी पिटी कर देते हैं, लो बेटा पीटी लिख दी है, कोई दिक्कत है? पी टोटल मतलब विलयन का वाष्पदाब। क्लियर हुई बात? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक्स बी क्या है? एक्स बी है बच्चों विलेय का मोल प्रभाज या विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश भी इसको बोल सकते हो प्यारे बच्चों। समझ में आया फॉर्मूले में किसको क्या कहते हैं, फॉर्मूले में किसको क्या बोलते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आ गया है तो लोट भी करते रहिए भाई। क्लियर है? अब हम बेटा इसको बिटाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने बता दिया इस फॉर्मूले से होला है, अभी हम यहां पर कुछ और लिखने वाले हैं बच्चों, तो जल्दी से इसको लोट करो। क्लियर? ओके चलो इसको बिटा देते हैं बच्चे। लो भाई बिट गया। अच्छा अब क्या क्या बोला है वो देखते हैं, चलो क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। तो बोला है 298 केल्विन ताप पर इसका वाष्पदाब दे रखा है, तो बच्चों देखो शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दिया है ला, शुद्ध अवस्था में क्या दिया, जल का वाष्पदाब दिया है। ठीक है ला, यस या नो? शुद्ध अवस्था में बच्चों जल का वाष्पदाब आपको दे रखा है, तो यानी आपको क्या दिया है, पी लॉट ए, अभी बताया था शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब बोला था बच्चा, यहां पर विलायक क्या है, जल है ला, और इसमें अब यूरिया मिला रहे, यूरिया इसमें क्या है, विलेय पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो देखो पी लॉट ए इक्वल टू कितना दिया है, 23.8 mmHg। सर ये mmHg क्या होता है बच्चों? ये वाष्पदाब का मात्रक होता है। क्लियर हुई बात? बेहतरीन। अच्छा उसके बाद हमसे बोला है 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो यूरिया अपने पास जो यहां पर है वो क्या है, विलेय है, ये विलेय पदार्थ होगा, और जो अपने पास बेटा यहां पर ये जल है ये क्या है, विलायक है। क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये चीज क्लियर हुई तो ये 23.8 mmHg है, तो इस हिसाब से बच्चों यहां पर जो विलेय का द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान, देखो सबसे पहले बच्चों वही चीज लिखते हैं जो चीज आपको दी गई है, तो विलेय का द्रव्यमान जिसको आप डब्ल्यू बी से बच्चों प्रदर्शित करने वाले हैं यहां पर, वो हमको दिया है कितना, कितना 50 ग्राम दिया है सर, कितना दिया बच्चों, 50 ग्राम। ओके हमको बोला 850 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी ये विलायक का द्रव्यमान हुआ फिर, क्यों मैं सही कह रहा हूं क्या, क्या ये विलायक का द्रव्यमान होगा बच्चों, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। डब्ल्यू ए कितना, 850 ग्राम। क्लियर हुई बात? 850 ग्राम क्या है, अपने पास विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है ये विलेय का है, ये विलायक का है। अब बच्चों इसी के साथ साथ आपको जो चीज इसने बोली है ला,
ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी है। अब बच्चों आपको इसी के साथ साथ दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है बेटा। क्या वो दो चीजें हैं? एक तो है विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, दूसरा है विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ये बात समझ में आती है? चलो बहुत बेहतरीन। तो बेटा देखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान यूरिया का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये आपको 10 बार बताया हुआ है। पिछली वीडियो में भी बेटा पहले आपको मोलर द्रव्यमान निकालना बच्चों सिखाया हुआ है। तो जिन बच्चों को मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं आता वो बेटा एक बार इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखेंगे। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए जल्दी से बता दो फटाफट से भाई, फटाफट से बच्चा पार्टी जल्दी से कमेंट करके बता दो किस किस ने इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है Na2CO(NH2)? देखो जिसको नहीं आता बेटा एक बार फिर भी बताई दे रहे हैं बच्चे। देखो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 7 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी बेटा 1 ही होता है, तो 1 लिख दिए। प्लस कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका डबल कर दोगे तो इसका द्रव्यमान बन जाता है यानी 12 प्लस। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद बच्चों देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16, तो यहां पर आ जाएगा 16। प्लस उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1 होता है और 1 का डबल कर दोगे तो भाई 1 ही होता है। प्लस अरे पहले नाइट्रोजन है ना बच्चों, ऑक्सीजन की बात सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 7 होता है, 7 का डबल करेंगे तो 14 होगा और ये इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। हाइड्रोजन के अणु 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ऐड करके क्या आएगा बेटा, जल्दी से करो, 60 आएगा। क्या आएगा? 60 ग्राम पर मोल, ये आएगा बच्चों। तो यानी हमारे पास यहां पर विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, क्लियर। अब हमें यहां पर इसका द्रव्यमान पता चल गया, तो बच्चों विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? विलायक यानी जल, और ये तो तुमको पता होना चाहिए भाई, इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। विलायक का मोलर द्रव्यमान इट मींस WA कितना है सर? तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 60 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस वन इज क्लियर, बहुत शानदार। विलेय का पता चल गया, विलायक का पता चल गया। अब बच्चों अब हमें जो निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो देखो सारी चीजें आपको बता दी, हर एक चीज आपको बिल्कुल डीपली तरीके से समझा रखी है बच्चों। अब हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं, अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं और हमें निकालना क्या है ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, हमको देखो हमको निकालना है पहले तो वाष्पदाब, क्या लिखा देखो उसने, विलयन के लिए जल के वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। विलयन के लिए जल का वाष्पदाब मतलब आपको बेटा पी टोटल निकालना है और वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो बेटा वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों किसको कहते हैं, इसको देखो, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ना, ये लिखा था हमने फॉर्मूला बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में किस किसने लिखा था, ये लिखा था हाँ। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, याद रखना इस पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। अगर हम एक्स भी निकाल लेना तो इक्वल टू वही वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, यस या नो? यस सर। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक्स भी निकालने वाले हैं, यानी एक्स भी बोले तो विलेय का मूल प्रभास निकालने वाले हैं, यानी यूरिया का मूल प्रभास निकालने वाले हैं। अगर हम यूरिया का मूल प्रभास निकाल लिए तो बेटा क्वेश्चन हमारे और आसान हो जाएगा, क्लियर हुई बात? बहुत बेहतरीन। तो बेटा चलो चलते हैं निकालते हैं, ओके टाटा बाय बाय, ले करते हैं इसको बच्चों। चलो अब इसको इधर करते हैं ना, आइए वैल्यूज रखते हैं बेटा। सबसे पहले अपन एक्स बी कैलकुलेट करते हैं बच्चों, एक्स बी यानी बोले तो विलेय का मूल प्रभास, ठीक है? तो विलेय का मूल प्रभास निकाले तो मोल की संख्या भी तो निकालनी पड़ेगी पहले, क्यों भाई? बिना मोल की संख्या को निकाले बच्चों क्या मूल प्रभास को निकाल सकते हो?
नो सर। क्या कोई निकाल सकता है? नहीं सर। तो बेटा नहीं निकाल सकते, चलो पहले बोल के संख्या निकालो फटाफट से ला। तो देखो एक्स भी बाद में निकालोगे, पहले मोल की संख्या बच्चों निकालनी पड़ेगी। इसको मिटा दूं क्या? नहीं मिटा तो भाई भी कैलकुलेशन की भी तो जरूरत पड़ेगी बच्चों। चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, जस्ट अ वेट एंड वॉच एंड वॉच। क्लियर? चलो देखो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से। एन ए का मतलब क्या हुआ बेटा? ए को हमने किससे दिखाया बच्चों? विलायक को। तो पहले विलायक के मोल की संख्या निकाल लो। अच्छा विलायक के मोल का संख्या निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया बेटा? 18 दिया है। 18 दिया क्या विलायक का? बच्चों 850 दिया। भाई क्या बात करते हो तुम, 850 बट्टे बच्चों विलायक का मोलर द्रव्यमान। और विलायक यहाँ पर क्या है? जल। तो बेटा यहाँ पर आएगा जल का मोलर द्रव्यमान, और जल का मोलर द्रव्यमान बेटा यहाँ पर कितना है? 18 है सर। बोलो क्या ऐसा है, यस या नो? जल्दी से बता दो कैसा है। अच्छा इसी प्रकार बच्चों हम किसका मोल निकालेंगे? विलेय के मोल की संख्या, यानी एनबी कैलकुलेट करेंगे। एनबी यानी विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब अगर आप एलबी कैलकुलेट करोगे तो वही हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बेटा क्या दिया है अपने पास? डब्ल्यू वी। और ये कितना है? 50। कितना है बच्चों? देखो देखो जल्दी देखो, 50 है शायद। हाँ 50 ही है बच्चों। और बेटा यूरिया क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। और विलेय का मोलर द्रव्यमान बेटा कितना है? 60 ग्राम है। तो बेटा यहां पर क्या रख दीजिए? 60 रख दीजिए। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे जल्दी से बता दो इनको डिवाइड करके कितना आएगा? जल्दी से बता दो बेटा इनको डिवाइड करके कितना आएगा? फटाफट बता दो इनको डिवाइड करके कितना आएगा। ठीक है हाँ, इसको कितना आएगा डिवाइड करके? 47.22। इसको आएगा 0.83। क्या ऐसा आ रहा है? क्या ऐसा आ रहा है आपका डिवाइड करके? बताओ यस या लो, कमेंट्स में बताओ फटाफट से। यस बहुत बढ़िया। आओ फिर अब आगे को ले चले तो चलो फिर अब आगे को। तो देखो बच्चे अब हमने जब ये निकाल दिया ला तो क्वेश्चन गला बहुत आसान। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बच्चे बोल प्रभाज। बोल की संख्या निकाल दिए, बोल प्रभाज निकल जाएगा बहुत आसानी से, कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो बच्चों बोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं किसका बोल प्रभाज? एक्स बी का। तो विलेय का बोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो बच्चों जब आप विलेय का मोल प्रभाज निकालोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक आतिया तू विलेय का मोल प्रभाज निकाल, मैं इसकी मोलरता निकालूंगा। ठीक चलो बेटा देखो, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या। ओके सर, विलेय के मोलों की संख्या को किससे दिखाया था? एल बी से। देखो पीछे, देखो पीछे बेटा, बताया आपको अपॉल विलेय के मोलों की संख्या एल बी प्लस विलायक के मोलों की संख्या एल ए। ओके विलेय के मोलों की संख्या बच्चों हमारे पास क्या आई थी? जल्दी से बता दो चलो। क्या आई थी बेटा विलेय के मोलों की संख्या? यहां लिखे थे कहीं, हम कहां ही लिखे थे, कहीं लिखे थे, कहां ही लिखे थे, ये है 0.83 आई थी ला। या रख दो रख दो रख दो, फटाफट से रख दो, फटाफट से रख दो। चलो 0.83 आई थी गुरु जी। बहुत शानदार बच्चे, यहां पर भी 0.83 रखोगे प्लस उसके बाद क्या आया था जरा देखो तो, 47.22 आया था सर। ओ हो 47.22 क्या इतना ही आया था क्या? चेक करें। हाँ इतना ही आया था, बहुत बेहतरीन। अब इसको सॉल्व करो तो जरा आगे बेटा, इसको फटाफट से सॉल्व करो भाई। जो इसको जल्दी सॉल्व करेगा उसे मिलेगी वॉच। तो जल्दी से भाई किसको चाहिए वॉच फटाफट से बताओ। देखो इसको जोड़ो पीछे से, 3 और 2 5 और 8 और 2 हो गया 10, ये लगा पॉइंट, और ये 7 का बल 8, और ये 4 रह जाएगा बेटा ऐसे ही। क्या इतला आ जाएगा बोलो?
क्या इतला आ जाएगा? जल्दी से भाई फटाफट से बताओ क्या इतला आ जाएगा? यस सर, बहुत बढ़िया। अगर इतला आ जाएगा तो बच्चों क्या करो, तो एक काम करो बेटा, ऊपर हो जाएगा 83 और पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि देखो दशमलव के बाद दो अंक यहां भी, दो अंक यहां भी है, तो सीधी सी बात है बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो। और ये अगले बार हो जाएगा 48.05। पॉइंट से पॉइंट तब कैंसिल किया जाता है बेटा जब पॉइंट्स के बाद ऊपर नीचे नंबर सेम होते हैं, जैसे यहां भी दो है यहां भी दो है तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। वैसे भी अगर आप वैसे भी करके देखते हो तो फिर भी वही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर नीचे बराबर जीरो है, कट जाएगी, बात वही पड़ेगी, वो 83 हो जाएगा, ये 4805 हो जाएगा। अब मुझे फटाफट से इसको डिवाइड करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से बच्चों कितना आएगा इसका आंसर? हाँ कितना आएगा इसका आंसर? क्या इतना आ रहा है, क्या इतना आंसर आ रहा है इसका? 0.017। यस या नो? आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पहली चीज तो हमारी निकल गई है। क्या सर, क्या निकली बेटा? बच्चों अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था ला कि पी लॉट ए वाइलस पी टी, या पी एस लिख सकते हो आप इसको, अपॉल पी टोटल, पी लॉट ए। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? एक्स बी बोलते हैं जी। तो बेटा ये एक्स बी तो है, एक्स बी आया ला, तो ये एक्स बी की तो वैल्यू आई, आई की ली आई, आई अगर आई तो रख दो ला फिर, अगर बच्चों आई तो रखो ला वैल्यू, क्या दिक्कत है, बहुत शानदार बच्चों, रख दो वैल्यू जल्दी से। कितनी आई सर? 0.017। यस या नो? यस यस, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी नाइस। चलो इतनी वैल्यू आ गई। अगर वैल्यू इतनी आ गई है तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? वाष्प, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवलवल। जो हमसे क्वेश्चन में बेटा पीछे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था बेटा, ये देखो जरा ये, हाँ देखो आपेक्षिक अवलवल लिखा है ना, ये निकल के आया पहले। अभी पहले आपको बताया था इसको आपेक्षिक अवलवल बोलते हैं, बताया था थोड़ी देर पहले, तो बेटा ये निकल के आ गया है। और इसको निकालना है तो आप इसको लिख दो, आपेक्षिक अवलवल आ गया है, तो लिखो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कितना आया? 0.00, सॉरी 0, एक मिनट एक मिनट एक बुलेट, 0.017 आया। बहुत शानदार बच्चों, क्लियर हो गई बातें सारी? यस सर। अब हमको निकालना है बच्चों विलयन का वाष्प दाब, यानी पीटी कैलकुलेट करना है अब कुल मिला के। फिर से फॉर्मूला काम करेगा, चलो फिर से फॉर्मूले को लगाए जी, फिर से फॉर्मूले को तुम लगा दो, चलो लगा दो। चलो बेटा देखो लगाते हैं, पी लॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स बी की वैल्यू यही होगी अपने पास। तो प्यारे बच्चों इस पी लॉट ए का वैल्यू आपको दिया है, रखो, देखो दिया है कहाँ, प्रश्न में दिया है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, देखो आपको प्रश्न में कहाँ है, ये है बेटा, ये 23.8, 23.8 देखो यहां भी लिखा है, दिया है तो वैल्यू पुट करो उसमें जल्दी से, आ जाओ यहां दिया है तो यहां मैं लिख रहा हूं 23.8 माइनस पीटी लिख रहे हैं बच्चा, तो पीटी का मतलब टोटल आपका, तो टोटल वेपर प्रेशर है वो, ठीक है, तो पीटी तो हमको निकालना ही है, इसको ऐसे ही रखेंगे। गले में बच्चों बहुत दर्द हो रहा है सच में, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा खराब है। तो ये पी नॉट ए ये अपने पास हो गया 23.8 इक्वल टू एक्स बी, कितना आया था अपने पास, ये आया था 0.017 आया था, इसको ऐसे ही रखो बच्चों। प्यारे बच्चों आप ऐसे ही करो 23.8, आप पूरा कैलकुलेशन करो चलो इसका, माइनस पी टी इक्वल टू, इधर ये डिवाइड में है देखो, उसको उधर भेजो इंटू में चले जाएगा, तो 0.017 हो जाएगा इंटू, ये इधर आके इंटू में चले गया, 23.8 बन गया इधर आके, ये
और जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा अपना क्या, पीटी साहब। यस सर, पीटी साहब कैसे हो? बढ़िया। और समो? हाँ जी बढ़िया है। तो बेटा देखो ये अपने पास हो जाएगा। अरे भाई इसको इंटू करो बच्चों, पहले इसको इंटू करो, चलो पहले पहले इसको इंटू करो तभी आएगा आंसर, तभी आप इसको डिवाइड में भेजोगे बच्चों। पहले इसको इंटू करो, करो जल्दी से करो। इंटू करके कितना रहा है बता दो, कितना रहा है इंटू करके? क्या 4046 आ रहा है इंटू करके? जल्दी से बच्चा फटाफट से। अरे भाई माइनस लगाना ही भूल गए, जल्दी से देखो इंटू बच्चों आपको करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ की है अब ये मान के चलो आप। और भाई आपको पता है बोर्ड में बेटा आपको करनी पड़ेगी, तो माइनस पीटी हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एनी प्रॉब्लम तो जल्दी बता दो बेटा, ठीक है? नहीं ना, बहुत शानदार, वेरी ना, बहुत होशियार हो। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, देखो इस पीटी को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा उधर जाके। इस प्लस वाले को इधर लेके आओ, ये माइनस हो जाएगा। यहां कर रहे हैं देखो, ठीक है? क्या कर रहे हैं बेटा, इस पीटी माइनस पीटी, इसको इक्वल टू के उस साइड ले गए तो ये प्लस का पीटी हो गया, और ये अपनी जगह पे है बच्चों, 23.8 अपनी जगह पे है बच्चा। ये जो प्लस का है बेटा इधर, ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। क्या ऐसा होगा? 0.4046। तो बेटा आप मुझे जल्दी से इसमें से इसको माइनस करके बता दो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो जल्दी से, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हेलो 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 हेलो, हाँ आ रही है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कमेंट्स में लिख के बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए सारे बच्चे कितना है बेटा इसका आंसर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। ठीक है बच्चों कितना आ रहा है जल्दी से बताएंगे? हाँ 23 पॉइंट कितना, 49 या 39? 23 पॉइंट समथिंग आएगा। MMHG। कोई दिक्कत किसी को? यही तो बच्चों हमको प्रश्न में निकालना था, आगे बात समझ में? तो देखो मैंने आपको बेटा हर तरीके का न्यूमेरिकल करा दिया, मुझे लगता है अणुसंख्यक गुणधर्म का। एक और बच्चा प्रासरण आपका, वो इसके बाद आएगा, उसको भी करवा रहा हूं, चिंता मत करो बच्चों। सारे डाउट्स बच्चों आपके यहीं पर हम क्लियर कर देंगे। अगर बच्चों यहां से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही वो पूछा जाता है, समझ में आ गई बात? कभी कभी बच्चों खाली आपको बोलता है एक्स बी कैलकुलेट करो, भाई हो गया, उसमें तो एक्स बी ही निकालना होता है और कुछ करना ही नहीं होता बच्चों। हाँ उसको आप यहीं से निकाल सकते हो, ये तो ये दो तीन चीजें तुम्हें दी गई होंगी, एक्स बी अपने आप निकल जाएगा। तो बहुत बेटा आसान होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर न्यूमेरिकल टफ होते हैं, तो बच्चों टफ कुछ नहीं होता है। अगर शेखर सर आ गए हैं, तुमने उनके साथ पढ़ लिया बेटा, तो आपको इसमें जीरो से हीरो बना देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें बोलो? क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं? ओके ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे चलें। चलो पहले थोड़ा सा जल भी ग्रहण करना पड़ता है बच्चों, बीच में गला सूख जाता है। हाँ जी अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। आओ बच्चों, की हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है हिंदुस्तान की। चलो बेटा अब देखो प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, बहुत औसम क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। और आपको बच्चों सेशन में इसको करके और भी आने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1.0 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के प्रसरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। पास्कल में याद करना है बच्चे, तो
थोड़ा दिमाग में रखना बेटा इस बात को, पास्कल में निकालना है बच्चों। प्रसरण दाब का मात्रक जो है, दाब का एक वैसे जो दाब की जो एक यूनिट होती है पास्कल भी होती है, तो बेटा उसी में आपको इसको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको करना है आप लोगों को, छोड़ ला ही है, अगर छोड़े तो फिर बोर्ड में पछताओगे, पछताओगे बच्चे ला, हाँ बिल्कुल पछताओगे, यस। चलो करें फिर इसको भी, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, जल्दी से बता दो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको इसमें दिया क्या क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे बोला कि इतने बोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक, ओके बच्चों एक बहुलक है, बहुलक बोले तो पॉलीमर बच्चों, एक बहुलक को हम क्या कर रहे हैं, जल में मिला रहे हैं, और जल में मिलाने पर उसका विलयन बन जा रहा है, बात समझ में आती है, यस। अब बेटा जो बहुलक है हमारे पास क्या है, वो विलेय पदार्थ है, क्योंकि इसका द्रव्यमान देखो बहुत कम दे रखा है, बोलो ना इसका ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान कम होता है उसे विलेय कहते हैं, जिसका ज्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं, पहले भी बेटा आपको बता चुके हैं, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। तो बेटा देखो यहां पर हमें जो दिया है विलेय का द्रव्यमान दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर सबसे पहले विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट करेंगे विलेय के द्रव्यमान को बच्चों, डब्ल्यू वी कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद कहता है इसका मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, तो जो बहुलक है ला बच्चों वो विलेय है बेटा, ये बहुलक का है, हम लिख देते हैं यहां पर, ये बहुलक का है बच्चों, विलेय पदार्थ है, क्या है ये, विलेय पदार्थ है, ये जल क्या है बेटा, विलायक है, ये क्या है बच्चों, विलायक है, बहुत शानदार, क्लियर हुई बात, समझ में आती है सबको, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आती तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, नहीं तो डंडा लेके आओ फटाफट से, हाँ ये डंडा है बच्चों, ये मारेंगे इससे अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो, हाँ क्लास उठ के जाओगे तो देखो, अरे कौन मारेगा इतने प्यारे प्यारे बच्चों को, गलत बात, शेखर सर ऐसा कभी नहीं करेंगे, हाँ समझे बात को, हाँ चलो बेटा अब देखो आगे, तो देखो ये अपने पास विलेय का द्रव्यमान, अब विलेय का मोलर द्रव्यमान लिखो, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये देखो विलेय के मोलर द्रव्यमान को बेटा किससे प्रदर्शित करेंगे, सर डब्ल्यू ए से करेंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, 185,000 बच्चों डब्ल्यू ए है, और ये इतना क्या ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों, ओके सर ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है कि इसको 450 से बल जल में घोल रहे हैं, तो बच्चों यहां पर आपको जल का द्रव्यमान भी दिया है, जल यानी विलायक, जल बोले तो विलायक, विलायक का द्रव्यमान, बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई, डब्ल्यू ये विलेय के बोलर द्रव्यमान को बेटा डब्ल्यू, अरे क्या लिख दी है ये विलेय का बोलर द्रव्यमान डब्ल्यू, इसे कहां दिखा दिए बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, इसको दिखाते हैं बेटा अपन एमबी से, हैं 10 बार बता दिए हैं तुम्हारे डंडा लाने के चक्कर में बेटा, हम गलत कर दिए थे यहां, विलेय का मोलर द्रव्यमान एमबी वो तो हम देख लिए, चलो बच्चों नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती बेटा, हाँ जी, तो जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान बेटा उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू ए से सर, ओके सर, कितना दिया है 450 mL दिया है, चलो बेटा क्या इतना दिया है, हाँ जी दिया है, देखो कहा, अरे अरे ये रहा समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब सब कुछ बच्चों देखो, जब आपको सब कुछ दे रखा है तो भाई देर किस बात की, करो क्वेश्चन को निकालो फटाफट सर। अच्छा देखो और क्या दिया है, उत्पल प्रसरण दाब को पास्कल में निकालो बच्चों, पास्कल में निकालना है प्रसरण दाब। अब देखो सबसे पहले बच्चों आपको प्रसरण दाब निकालना, तो बेटा प्रसरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पाई से, और पाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली है, क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। सर प्रसरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए तभी तो इस काम आएगी चीज है, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। तो बेटा प्रसरण दाब का बच्चों फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉल एम बी इंटू डब्ल्यू ए, बोलो कोई दिक्कत किसी को,
डब्ल्यू बी आर टी अपॉल एम बी इंटू डब्ल्यू ए बच्चों प्रासरण दाब का फॉर्मूला होता है, जिसमें डब्ल्यू बी जो होता है प्यारे बच्चों, इसको अपन बोलते हैं विलेय का द्रव्यमान। किसी को कोई इश्यू तो बता देना भाई, ठीक है बच्चा। आर को क्या बोलते हैं? गैस कॉन्स्टेंट, गैस नियतांक। अरे बच्चे मैस नियतांक नहीं लिखा है, गैस है भैया, गैस नियतांक। बच्चों पेन थोड़ा थोड़ा कभी भाग जाता है, फिसल जाता है, तब हो जाता है ऐसा। उसके बाद एम बी क्या है बेटा? एम बी है मोलर द्रव्यमान। किसका? विलेय का। किसका बच्चों? विलेय का ही तो होता है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। लो भाई, जिसको नहीं पता सबको पता चल जाएगा। डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू ए है प्यारे बच्चों, क्या है डब्ल्यू ए? बोलो बोलो क्या है डब्ल्यू ए? ये है बच्चा अपने पास विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, सब कुछ दे रखा है। अब तुम्हें दिक्कत होगी निकालने में, फिर देख लेना भाई, चलेगा ले ऐसे, ठीक है? सब कुछ दे रखा है सर, जी जी दे रखा है। आई देखो डब्ल्यू बी आर एम बी डब्ल्यू ए सब कुछ दे रखा है बच्चों, निकाल ला क्या है भाई ला। हाँ जय महाकाल वाले सर याद है। हाँ चलो बेटा देखो, सब कुछ दिया है डब्ल्यू बी आर एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है? ये सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। और कुछ बचा? हाँ जी बचा, बिल्कुल बचा। क्या बचा? अरे भाई टी बचा। टी को क्या बोलते हैं बेटा? ताप। बच्चों ताप यहां पर केल्विन में होना चाहिए। हाँ बात ध्यान रख ला बच्चों, केल्विन में निकालेंगे ताप को। चलो सब कुछ बता दिया। अब यहां पर बच्चों आपको ताप भी दे रखा है, देखो दे रखा है, यस सर दे रखा है। तो बेटा अगर ताप दिया है आपको, कितना दिया है बेटा ताप? ताप दिया सर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों, प्यारे लल्ला, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 273 बोतला जोड़ देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बेटा मैं इस चीज को सही बोल रहा हूं? क्या 273 में हम इसको ऐड कर देंगे? यस या नो? यस सर। अगर करेंगे तो फिर कितना आएगा? तो अपने पास आ जाएगा बच्चों 273 प्लस 37, तो ये अपने पास शायद शायद 310 तक हो जाएगा मेरे हिसाब से बच्चों। 7 3 0 7 और 1 7 3 10, ये अपने पास हो गया कितना? 7 3 10 7 3 10 10 और 1 11 और 1 3, ये देखो बेटा 310 केल्विन हो गया, ठीक है बच्चों? कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। क्लियर हुई बात बेटा? फॉर्मूला होता है ला, देखो ये देखो, अगर आपको केल्विन में चेंज कर लेना बेटा तो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे तो 273.15 होता है लेकिन हम लेते चले 273 है राउंड ऑफ करके, तो इतना इसको कर लेना है बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इतना आपको सब सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बेटा अब हम फॉर्मूले पर आते हैं और बच्चों क्वेश्चंस को बिल्कुल लाजवाब तरीके से करते हैं। समझ में आ गई है बात सभी को? तो जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से बेटा, फटाफट से, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक चीज और बच गई शायद, क्या आर भी तो बचा है? हाँ आर ना, आर लोगे आप 8.314 पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बच्चों लिख लो उसको फटाफट से, आर वाला गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है? कि पास्कल में निकालना है ना बच्चों, इसलिए पास्कल में लिए है। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ फटाफट से, समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चों, ठीक है? हाँ यस यस यस, पास्कल। एक और आएगा बेटा, के भी आएगा, के भी आएगा, केल्विन पास्कल लीटर होल इनवर्स, ठीक है बच्चों? तो देखो सब कुछ आपके सामने लिख दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है और यहाँ वैल्यू पुट कर ली है और आपका आंसर 2 मिनट में बच्चों आ जाला है। तो जल्दी से फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वैल्यूज आपके सामने लिखी बेटा, जल्दी से आप क्या करो इसमें पुट करो फटाफट से, जरा जल्दी से करो, तो जरा जल्दी से करो बच्चों, फटाफट से निकाल के दिखा दो भैया। आंसर तो आपको आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है ना? हम्म,
यस 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 यस। अब एक चीज का ध्यान देना बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो देखो किलो पास्कल लिखा है ना, तो आप इसको चेंज कर दोगे थोड़ा सा, इसको पास्कल में चेंज करोगे तो हजार से इंटू कर दोगे बेटा। क्या कर दोगे? हजार से इंटू। तो देखो हजार से इंटू करके मैंने यहां 10^3 लिख दिया है, ठीक है? क्या लिख दिया? 1000 से इंटू करेंगे पास्कल में चेंज करने के लिए, और जब 1000 से इंटू करेंगे तो उसको 10^3 लिख देंगे और हो जाएगा पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स बोल इनवर्स। समझ में आ गई क्या बात? आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है। अब चले आगे, आपको ले चलते आगे। देखो अब बेटा सारी वैल्यूज लिख दी है, अब फॉर्मूला लगाना है, तुरंत बच्चों आंसर निकालना है। पाई इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर बच्चों पहले बताए थे, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है? अब यहां फटाफट सा वैल्यू रख दो। चलो तो पाई इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना था सर? बेटा डब्ल्यू बी था 1 ग्राम, तो यहां लिखोगे 1। आर कितना था? 8.314 इंटू 10^3। टेम्परेचर कितना था? 310 अपॉल, ठीक है बच्चा? सभी को चीजें समझ में आ रही है ला? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सारी चीजें है। एम बी अपने पास कितना है? एम बी अपने पास है 185000, 185000, 1, 2, 3। डब्ल्यू ए कितना है बच्चों? डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए 450। ओए होए होए क्या बात है, 450, वाह। समझ में आया सभी को यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी से बता सकता है भाई मेरे को। हाँ एक चीज बच्चों और यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि बेटा देखो फॉर्मूले में आप इंटरसेक्शन लिख सकते हो, लेकिन तब लिखोगे बच्चों जब आप आयतन को मिलीलीटर में लिख रहे हो। बात समझ में आती है? जैसे हमने और फॉर्मूले में किया था, लेकिन बच्चों यहां पर जो आयतन है वो लीटर में है, तो सबसे पहले मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीलीटर को लीटर में बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे? अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे ऐसा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। और डिवाइड करके कितना आएगा? 0.450 लीटर आएगा। क्या आएगा? क्या इतना? यस या नो? तो बच्चों एक चीज का ध्यान देना, वॉल्यूम जो ले रहे हो लीटर में होना चाहिए। अगर आप यहां इंटू 1000 नहीं लिखे हो तब की बात कर रहा हूं। क्लियर हुई बात? क्योंकि अभी आप देखोगे आपको फॉर्मूले में इंटू 1000 भी लिखा दिखेगा। बेटा 1000 का तब यूज करते हैं जब आप आयतन को मिली लीटर में ले रहे हो। अगर आपका 1000 नहीं लिखा है इसका मतलब आयतन लीटर में लोगे, ठीक है? ये दो चीजों का ध्यान रखना। तो बेटा यहां पर अपने पास आयतन कितना हो जाएगा? 0. लिख दिया हूं यहां पर 450। समझ में आई बात? ठीक है सर। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दो फटाफट से। 1 बेटा देखो ये 1 × 8.314, ये 10^3 लिखा है ना, इसको 1000 लिख लो बेटा, 1000 लिख लो उसको जल्दी से। इंटू 310 हो गया सर, 310, बहुत बढ़िया बच्चों। अपॉन ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपने पास 185000 और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.450। समझ में आती है क्या बात? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो देखो इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। कैसा हो रहा है हमारे सिस्टम में? कितना आया? 1 बेटा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपन पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो बच्चों देखो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं सर, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा दोगे। यहाँ देखो दशमलव के बाद कितना अंक है बेटा? 2 अंक हैं। आप बोलेंगे सर जीरो भी तो है, तो बेटा थोड़ी देर पहले ही बताए थे अगर जीरो के पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट होती है तब उसको काउंट करते हैं, अगर नहीं होती है तो उसको काउंट बच्चों नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू नहीं होती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो 1 × कितना हो गया ये? 8314। क्लियर है बच्चों? अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? 1 × 8.8314 आपने लिखा, तो बच्चों देखो इंटू 310 हम यहां पर लिख चुके हैं, और यहां देखो दो नंबर है ना, पॉइंट के पीछे दो नंबर है, तो 2 जीरो यहां बढ़ा दिए देखो, और नीचे 185। अब
चूंकि यहां पर एक दो तीन नंबर है तो 3 जीरो यहां बढ़ाने ही पड़ेंगे बेटा तुमको, बढ़ा दिए सर, और नीचे क्या हो जाएगा 45, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा ना। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कट गई, आप देखो आपके पास और आसान कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो अब और इजी हो जाएगी। अब सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से बताइए, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, ठीक है क्या आएगा बच्चों? यस 30.96, कितना रहा है 30.96, क्लियर 30.96 क्या पास्कल, पास्कल में निकालने को बोला था ना बच्चे, तो पास्कल लिखेंगे, पीए मतलब पास्कल, क्लियर हुई बात। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार से किया जाता है, और देखो जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है यानी बच्चों अणुसंघ के गुणधर्म यानी विलयन वाले चैप्टर में बच्चों सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं, और हर एक टॉपिक का बच्चों मैंने हर एक क्वेश्चन से यहां पर लिया है ताकि आपका सब कुछ उसमें अच्छे से कवर हो जाए। बच्चों जरूरी नहीं है हर बार आपको पाई ही कैलकुलेट कर ले को बोले, हो सकता है आपको पाई दिया गया हो, आपको उसमें से डब्ल्यू भी पूछ दे, आपको उसमें से एम भी पूछ दे, या फिर बच्चों आपको डब्ल्यू ए पूछ दे, बात समझ में आती है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपको ये कैलकुलेट कर ले को बोलेगा, क्लियर हुई बात। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, आ गया 30.96 पास्कल, क्लियर। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली हो जाते हैं, पर थोड़ा सा इनमें सोचना होता है, और ज्यादा सोच के बेटा कोई फायदा भी नहीं है, इजीली कैलकुलेशन में आ जाता है, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब चले अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बोलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है, अवाष्पशील विलेय के मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको जल्दी बताओ, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है फटाफट से, जो कमेंट्स करके दे दे इसका आंसर जल्दी से, ठीक है बेटा। ये तो देखो आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चों में पहले करा चुका हुआ, इस तरीके का प्रश्न ला मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो आपकी बेटा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो जल्दी, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या हमें दिया है और क्या हमें निकालना है। तो बच्चों आपसे बोला है 300 केल्विन पर, यानी हमको ताप तो दे रखा है जी 300 केल्विन, लेकिन हमको इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जल का वाष्प दाब आपको दिया बेटा, जल का वाष्प दाब यानी P लॉट A बच्चों दिया है, जल का वाष्प दाब बोला, खाली जल का, जब जल में विलेय मिला दिया तब का नहीं, खाली जल का यानी शुद्ध अवस्था में जल का, और बच्चों उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, पी लॉट ए से, अभी आपको 10 बार बता दिया बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा बताया था 12.3 के पास्कल, ठीक है। अब कहता है इसमें भले अवाष्पशील विलेय के एक मोल, बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोलल क्या मतलब हुआ इसका, एक मोलल विलयन का मतलब क्या हुआ बेटा, इसी के अंदर तो सब कुछ छुपा हुआ है, एक मोलल विलयन का मतलब क्या हुआ जल्दी से बता दो, मोलल बोला है, मोललता, ठीक है, कौन बताएगा इसका जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बता देगा भाई, बाल जाएंगे उसको। हाँ एक मोलल का मतलब बेटा ये हुआ, देखो एक मोलल का बच्चों मतलब क्या हुआ, ध्यान से देख रहे यहां पर सभी बच्चे, एक मोलल का बेटा मतलब ये हुआ कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित है, बात समझ में आती है, विलायक कौन सा है बच्चों, जल है, विलायक कौन सा है,
जल है, विलय क्या है बेटा, विलय अपने पास है बच्चों, यहां पर अवाष्पशील विलय है, लाभ तो बता ही रखा उसका, तो अवाष्पशील विलय है, उसको जल में मिला दिए और वो जल की क्वालिटी कितनी है 1000 ग्राम, क्योंकि बच्चों यहां पर मोलल लिखा है तो मोलल का मतलब होता है मोललता, और मोललता की डेफिनेशन क्या कहती है कि विलायक के 1 किलोग्राम में, ये देखो यहां से आया ये, विलायक के 1 किलोग्राम में बेटा क्या मिला है, ये देखो ये एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला है, इसी के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या पर सही बोल रहे हैं? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक मोलल का अर्थ है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक मोलल का अर्थ है विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का बेटा कितना मोल घुला है, 1 मोल घुला है, विलेय का 1 मोल घुला है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लहीला बच्चों बहुत बढ़िया, क्लियर, ठीक है, इतना सबको पता चल गया, विलेय के मोल की संख्या पता चल गई, तो बेटा फिर विलायक के मोल भी निकाल लो भाई, इसी खुशी में निकाल लो तुम विलायक के मोल। पहले विलायक का द्रव्यमान कितना होगा बताओ, विलायक का द्रव्यमान होगा बेटा यहाँ पे 1 किलोग्राम, यानी बोले तो 1000 ग्राम होगा, कैसा होगा, नहीं होगा 1000 ग्राम होगा ना विलायक का द्रव्यमान, यस ठीक है। अगर विलायक का द्रव्यमान बच्चों यहाँ पर 1000 हो रहा है, 1000 हो रहा है, तो इससे आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे विलायक यानी जल, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, कि अभी इसको उसी फॉर्मूले से करोगे बेटा, देखो बहुत सिंपल है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों जब विलायक का मोलर द्रव्यमान निकालोगे ना तो आपके पास कितना आता है 18 ग्राम पर मोल, क्या ऐसा होता है बच्चों, देखो इसके मोल निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों विलेय के, क्योंकि ऑलरेडी दे दिए गए हैं, बट हमको किसके मोल निकालने हैं, विलायक के निकालने हैं, समझ में आती है बात। जब आप विलायक के मोल निकाल लोगे ना बच्चों, तो इसके बाद आप क्या करोगे, मोल प्रभाज ज्ञात करोगे, क्या निकालोगे, मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट करोगे, और जब आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। चलो इतना सभी को समझ में आया तो एक बार कमेंट्स में बता दो फटाफट से, इसको लोट कर लो भाई, जल्दी से सभी बच्चे क्या कर ले, इसको लोट कर ले, क्लियर, ओके। अब सबसे पहले हम मूल प्रभाज निकाल लें, क्योंकि बच्चों फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, चलो इसको आगे पे आगे कर रहा हूँ बेटा, आगे कर रहा हूँ इसको, ठीक है आगे करते हैं। देखो बच्चों अपने पास जो होता है ना फॉर्मूला ये होता है क्या, पी लॉट ए माइनस पी टी या पी एस लिख सकते हो उसको, पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयल का वाष्प दाब, या फिर आप इसको बोल सकते विलयल का टोटल वाष्प दाब, अपॉन नीचे होता है पी लॉट ए इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों एक्स बी, क्या आप गलत कहे नहीं, एक्स बी क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज, 10 बार आपको बताए हुए हैं बेटा, एक्स बी क्या होता है बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज होता है कि नहीं होता है, पहले भी बताए हुए, तो बेटा देखो यहां पर एक्स बी निकाल ले पहले, चलो निकाल लेते सर एक्स बी निकालो बच्चों पहले, क्योंकि क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो जब एक्स बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या, लिखो यहां पर विलेय के मोलों की संख्या बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या, ये देखो बेटा 10 बार आपको बताया बच्चों, अपॉन नीचे क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। क्या ये चीज सभी को समझ में आती है बच्चों, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, आती है ना समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक्स भी जब हम यहां पर निकाल रहे हैं तो देखो विलेय के मोलों की संख्या अपने पास क्या है, यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ विलेय के मोलों की संख्या क्या है अपने पास, अभी हम यहां देखे थे बेटा विलेय के मोल कितने हैं, देखो विलेय का 1 मोल घुला है, देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो विलेय के मोल कितने बेटा 1 हो गया,
कितना हो गया भाई? एक। ओके सर। और पॉल, विलय के बोलो की संख्या एक प्लस विलायक के बोलो की संख्या, निकाले थे क्या? देखो बेटा बच्चों, विलायक के बोलो की संख्या जब अब यहाँ पर निकाला गया तो पता है कैसे कैलकुलेट करके? देखो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको विलायक के बोल निकालने हैं तो आप विलायक के द्रव्यमान को बेटा डिवाइड कर दो। क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। तो विलायक के मोलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सिंपल है बच्चों, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया बेटा? 1000 दिया है। अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान, और इसको डिवाइड करके बच्चे आता है 5.56। तो 5 तक ही लिखो, इसको चल जाएगा इतना ही। ठीक है बच्चों, अब हम जब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यूज बेटा अब यहाँ पुट करेंगे 5.55.5। क्लियर? 55.5 बच्चों हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आती तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 56.5। तो बच्चों जल्दी से इसको डिवाइड करके बताओ अपना अल्सर कितना आएगा। जल्दी से बताओ बेटा इसको डिवाइड करके अपना अल्सर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसके कितने बोल बच्चों आपके आले वाले है, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। हाँ जल्दी बताओ बच्चों, पार्टी जल्दी से। हाँ बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों? 0.01777। क्या आपका इतना ही अल्सर आ रहा है? आ रहा है आपका इतना ही अल्सर बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या आपके इतने ही मोल प्रभाव जा रहा है? क्या इतना ही मोल अल्सर आ रहा है कैलकुलेट करके? तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, जल्दी बताए भाई सारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी बताओगे बच्चों उतना बढ़िया होगा, फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा क्या इसका अल्सर इतना ही आ रहा है। जल्दी बताएं सारे बच्चे। क्लियर बच्चा, जल्दी से सभी लोग बता सकते हैं क्या इसका अल्सर इतना ही आ रहा है? यस, ठीक हो गया, समझ में आती सबको बात? बहुत बढ़िया। अब जब बेटा आप इतना निकाल लिए ना, तो बस आपको अब कुछ नहीं करना। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? आपको बेटा क्वेश्चन में निकालना है इसमें बोला वाष्पशील विलेय का वाष्प दाब। तो बच्चों जब हमने जल में वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो बच्चों विलयन बन जाएगा, और हमसे पूछा है विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यानी बेटा हमको पीटी निकालना है, हमको विलयन का कुल वाष्प दाब इस प्रश्न में ज्ञात करना है। चलो भाई, अब हमने वो चीज निकाल ली तो अभी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है। तो भाई ये कैसे लिख लेगा? तो बच्चों देखो, पी लॉट ए का वैल्यू हमको दिया है, और पी लॉट ए का वैल्यू है 12.3 है बच्चों। कितना है भाई? 12.3 है, तो इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं 12.3। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अब इसमें, तो इसको चलो यहां पर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। पी लॉट ए वाइलस पी टी अपॉल पी लॉट ए इक्वल टू बेटा इधर क्या लिखे है, एक्स वी, और एक्स वी की वैल्यू कितनी है? 0.0177 है। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू इतनी है? यस या नो बच्चों? तो जल्दी से आप बता सकती है। ठीक है, जल्दी से आप इस चीज को बता सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर बेटा अगर आप लोग देखेंगे ना, तो पी नॉट ए का जो वैल्यू है, किसका? पी नॉट ए का, वो आपको कितना दिया? थोड़ा सा क्वेश्चन में देखे तो ये आपको दिया बच्चों 12.3। क्या आपको पी लॉट ए का वैल्यू इतना दिया है? 12.3 बच्चों दिया है। तो जो वैल्यू आपको दिया, आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को सीधे वहां पर रख देना है। अब अगर रख दीजिए तो देखो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो देखो भाई, 12.3 आपने रख दिया, माइनस अब यहां पर पीटी करेंगे, आप ऑल यहां पर क्या जाएगा बेटा? पी लॉट ए की जगह पे, पी लॉट ए की जगह पे 12.3 आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो अपने पास यहाँ पे कितना 0.0177 है भाई। कितना है? 0.0177। अब क्या करेंगे? 12.3 माइनस पी टी या पी टोटल या पी एस भी लिख सकते हो आप, इसको उधर भेज दो बच्चों। जब इसको उधर भेजोगे तो जाएगा 0.1। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ये गड़बड़ी जाता है बेटा, जीरो लगाना भूल गए थे, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है बच्चों, जल्दी से आ जाएगा। तो 0.1 हो जाएगा
0.0 आएगा पहले, 0177 इल्टू आपके पास बच्चों इधर ही चले जाएगा, 12.3 ये इधर हो जाएगा। क्या हमने बिल्कुल सही बोला है? यस yes. अगर सही बोला है तो बच्चों देखो, अब आपको पहले आप इसको इधर इल्टू कर लो, तो 12.3 माइनस पीटी इक्वल टू, आप इसको बच्चा इल्टू कर लो, जल्दी से इसको इल्टू कर लो, और इल्टू करके मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, फटाफट से बता दो इल्टू करके ये कितना आ रहा है, जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में बताओ इल्टू करके कितना आएगा, ठीक है? इंटू करके कितना आएगा फटाफट से? यस, जिसने जितना जल्दी बता दिया तो भाई उसको मिलेगी चॉकलेट। उसको क्या मिलेगी बेटा? चॉकलेट मिलेगी। उसको क्या मिलेगी बच्चों? चॉकलेट मिलेगी, जिसने इसका आंसर जितना जल्दी बताया, ठीक है? फटाफट से बता दो बच्चों। यस, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, जल्दी से बता दो। कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ, कितना आ रहा बच्चों? इसको इंटू करके कितना आ रहा है फटाफट बताओ, इंटू करके, इंटू करके, इंटू करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? 0.21 771 आएगा। कितना आएगा? कैसी आ रहा है? बताओ जल्दी, आ रहा होगा ना? तो अब क्या करते हैं बच्चों, पीटी को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। तो देखो भाई, अब यहां पे कर लेता हूं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। पीटी को बेटा पहले इधर लिख दिया, पीटी इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो वायरलेस का था प्लस हो जाएगा, और बच्चों ये जो 12.3 है अपनी जगह पर रहेगा, और ये जो इधर प्लस की वैल्यू जब इधर आएगी तो ये वायरलेस की बन जाएगी, ये वायरलेस हो जाएगा कितना, 0.2177। क्लियर? अब अगर ये इतना हो गया तो पी टोटल कितना आ जाएगा, पी टोटल कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, इसमें से करोगे तो आपके पास से कितना आएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से, ठीक है? कितना आएगा जल्दी से बेटा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। यस, टेल मी। हाँ, कितना रहा बच्चों? कितना रहा है? चलो, कितना रहा है? 12.08 के पास्कल आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है? 12.08 केल्विन पास्कल बच्चों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आती है सब बात? बात सबको समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, एक आपके प्रासरण दाब से क्वेश्चन बचा था, इससे भी सारे क्वेश्चन हो गए, हर तरीके बच्चों जो क्वेश्चन है वो आपको आज के सेशन में पहले करा दिया है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात बेटा नहीं है। चलते हैं आगे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
चलो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है, सारी चीजें जो है समझ में आती है, हर एक चीज जो है सबको क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह है आपके बेटा 10 साल पेपर में क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा गया है, और इस बार भी भाई ये आएगा, इस बार भी बेटा ये आएगा, 100% आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर साल बच्चों ये पेपर में पूछा जाता है, और इस बार भी ये आएगा क्योंकि बार बार ये आता है, और अभी इससे रिलेटेड बच्चों हमने जो है एक ल्यूबरिकल्स भी किया था, तो वही चीज चल रही है। तो हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों, देखो हेनरी ने जो बोला था, उन्होंने बोला था कि किसी गैस की जो विलयता है एम, ठीक है, इन्होंने इसके बीच में और प्रेशर के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, एम और पी के बीच में क्या दी थी, एक रिलेशनशिप दी थी। तो इन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा था, इन्होंने बोला था एम प्रोपोर्शनल टू पी, क्या बोला था बच्चों, एम प्रोपोर्शनल टू पी, यानी किसी भी विलायक में जो किसी गैस की विलयता है वो उसमें उपस्थित दाब के समानुपाती होती है। बात समझ में आती है, क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है, और इस नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखो भाई, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलयता तथा दाब की मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, हेनरी का नियम कहते हैं, इसके अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के प्रति एकांक आयतन में घुला गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। बात वही है, लेकिन बच्चों एक चीज का यहां पर ध्यान देना चाहिए, वो कहते हैं समानुपाती तब होगी जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो एम प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी के होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन बच्चों थोड़ी समय बाद क्या होता है, एक और बड़े यहां पर साइंटिस्ट आते हैं जिनको तो आप पहले से जानते हो, जिन्होंने अपनी पहचान कहीं नहीं छोड़ी, और उनका लाभ होता है डाल्टन, ठीक है, क्योंकि जो आपके डाल्टन थे वो हेनरी के क्या थे, समकालीन थे, क्या थे बच्चों, समकालीन थे, ठीक है बच्चा, तो जो डाल्टन थे वो हेनरी के समकालीन थे, तो बच्चों ये भी इस पर खोज खबर करने लग गए, और जब इन्होंने खोज खबर करी तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला कि साहब हम बोलते हैं पी प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये बोल गई ये, इन्होंने क्या बोला, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स, उन्होंने बोला कि जो आप गैस की विलयता कह रहे हो, अगर हम उसको मोल प्रभाज मान लेते हैं, अगर हम उसको एक्स मान लेते हैं, तो जो मोल प्रभाज होगा, यानी जो इसमें गैस की विलयता जो प्रेशर होगा बच्चों, वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्लियर हुई बात। उन्होंने कहा उसी विलयता को अगर हम एक्स मान लें, यानी मोल प्रभाज मान लें, तो क्या होगा, किसी द्रवी विलय गैस की जो विलयता होगी वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। विलयता को इन्होंने एक्स मान लिया था, तो इन्होंने एक्स प्रोपोर्शनल टू पी लिखा था, या पी प्रोपोर्शनल टू एक्स किया था, तो उसको भी ऐसे ही कर लो, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स ही इन्होंने लिखा था। और बच्चों जब हम इस साइन को यहां से हटाते हैं तो बेटा यहां पर एक आता है कॉन्स्टेंट, उसका लाभ होता है KH, KH इंटू एक्स, हम इसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बच्चों, KH इंटू एक्स हम इसको बोलते हैं। बोलो इतना सबको समझ में आया भाई, जल्दी से बताओ बेटा, KH इंटू एक्स, यहां पर बच्चों जो P है यह आपका आंशिक वाष्प दाब है, X जो है वो मोल प्रभाज है, और ये जो KH है ना बेटा आपका, ये जो बच्चों KH आपको दिख रहा है ना, इस KH को आप बोलते हैं हेनरी नियतांक, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हेनरी नियतांक बोलते हैं इसको बच्चे, हेनरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और जो पी होता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। बात भाई सबको समझ में आती होगी, ठीक है बच्चों, अगर आती है तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बेटा यही था बस हेनरी का नियम, इतना सिंपल। लेकिन बच्चों बीच में ध्यान रखना, डाल्टन ने भी बीच में हेरा फेरी करी थी, थोड़ा बीच में आए थे, थोड़ा सा उनके नियम को मॉडरेट कर दिया बस इन्होंने, और कुछ नहीं किया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, बच्चे बेचारे भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई पहले आप ये याद रखो और दूसरे बार आप ये याद रखो, अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका लिए बेटा यही से हो गया। पहली बार में जो हेनरी थे उन्होंने ये बोला था, लेकिन बीच में डाल्टन चाचा आए थे तो उन्होंने इतला बोल दिया, इसको जब हटाएंगे तो KH आएगा इंटू एक्स हो जाएगा, KH अपने पास क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट है, एक्स अपने पास क्या है, मोल प्रभाज है। बहुत सिंपल, बहुत लाजवाब, बेहतरीन। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, अभी और है एक क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इसके अनुप्रयोग भी बता रहे अभी। तो देखो अब हेनरी नियम के अनुप्रयोग,
तो बच्चों सबसे पहला अनुप्रयोग तो वही है भाई, कोल्ड ड्रिंक तुम लोग बहुत ज्यादा पीते हो, यह आपको पहले से पता है। सही बोल रहे ला, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हो, यस या लोग कमेंट सेक्शन बता दो भाई जल्दी से। बिल्कुल सभी लोग ज्यादा पीते हैं। तो बेटा जो शीतल पेय पदार्थ होते ला बच्चों, उसमें CO2 भरी जाती है और बहुत अधिक प्रेशर में भरी जाती है, तो बेटा हृदय के लिए बहुत अप्लाइड होता है। तो भाई देखो क्योंकि CO2 की विलेयता बढ़ा ली है बेटा, तो बहुत प्रेशर से वो डाली जाती है। तो सोडा जल शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बेटा बोतल को अधिक दाब पर बच्चों बंद किया जाता है। बच्चों जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो आपने देखा होगा कि सीधे से गैस आती है, ऐसे आती है ली आती है, यस या लो। हाँ, तो वहां पर बेटा हृदय का लिए काम करता है। दूसरा जो सबसे इसमें इंपोर्टेंट है बेटा, गहरे समुद्र बेटा जो श्वास लेते हुए गोताखोर होते ला, गोताखोर देखे क्या होता है, गोताखोर अपने पीठ में सिलेंडर बात के लेके जाते हैं, देखा होगा बच्चों आपने। तो बच्चों जो कि सिलेंडर में गैस होती है ना, बड़ी खतरनाक वाली गैस होती है, बहुत हल्की हल्की गैस से भरी होती है, अभी बताएगी वो गैस कौन सी होती है। तो बच्चों देखो गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की घुलनशीलता का सांवला कड़ कर सकता है, ठीक है, बहुत सारी गैसें घुली होती है। तो अधिक बाहरी दाब के कारण क्या होता है, श्वास के साथ दी गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। अब बच्चों देखो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, अगर ब्लड में जो बाहर यानी वायुमंडलीय जो गैस है उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो भाई वो सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ने से बल जाता है, बेंट बेंट हो जाते हो एकदम से, ठीक है, और फिर होती है बेटा सांस लेने में दिक्कत, समझ में आई बात। तो देखो जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके कारण घुली हुई गैसें जो है बेटा वो बाहर निकलने लगती है, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बल जाते हैं। बच्चों क्या बल जाते हैं बेटा, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले, वायुमंडलीय गैसें होती है बच्चा, नाइट्रोजन भी होता है उसमें, ऑक्सीजन भी होता है बच्चों, जानते हो ला, हाँ बाकी अन्य गैसें भी होती है, तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है 78%। तो इसीलिए बच्चों होता क्या है कि नाइट्रोजन के बुलबुले बल जाते हैं रुधिर में, जिस कारण क्या होता है बेटा बेल्ट इसमें बल जाता है, तो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था को उत्पन्न कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा बेल्ट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्लियर आई बात। और यह अत्यधिक पीड़ादायक बेटे जानलेवा होता है। तो बेल्ट से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो श्वास लेने के लिए उपयोग में ली जाने वाली टैंकों में बेटा हीलियम मिलाकर, बहुत इंपॉर्टेंट, हीलियम मिलाकर तलु की गई वायु को भरा जाता है, ठीक है, हीलियम मिलाते हैं ताकि जो वायु है उसको हल्का कर सके, तलु मतलब उसको डायल्यूट कर सके, समझ में आती है बात। अब कौन कौन सी गैसें मिलाती है बच्चों, देखो इस वायु के संगठन में जो आपकी होती है 11.7% हीलियम होती है, 3% नाइट्रोजन होती है, और बेटा इतना परसेंट इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है, समझ में आ गई है बात, ठीक है बच्चों। तो गोताखोर ये लेके जाते हैं अपने साथ, और ये देखो बच्चों ये होता है गोताखोर का सिलेंडर जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये गोताखोर अपनी पीठ में जो है उसको ले जाए हुए है, इस तरीके से दिखता है पाली में, ठीक है। हाँ कभी आप भी जाओगे कभी समुद्री इलाके में तो वहां पर आपको भी गोताखोरी बना देंगे, समझ रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें होती है उनके पास, और सिलेंडर कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछता है पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, बहुत शानदार, वेरी नाइस, बेहतरीन। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला को तो क्वेश्चन पूरा ही लिया। तो बेटा देखो अगला है हिलरी लेप के अनुप्रयोग, ये भी वही है। तीसरा अनुप्रयोग बच्चों जो यहां पर है अपने पास वो क्या है, तीसरा अनुप्रयोग है बेटा अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थलों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोगों के लिए रुधिर और ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। बच्चों होता क्या है कि जैसे जैसे हम चढ़ाई में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे 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 कम होता जाता है, क्या ऐसा होता है, यस। अगर ऐसा होता है तो बेटा फिर जो हमारा रुधिर यानी जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है बेटा वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और अगर ऐसा होगा तो इसके कारण क्या होगा बेटा, आरोहक यानी जो लोग घुबले जाते हैं, जो लोग चढ़ रहे होते हैं या घुबले जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो कमजोर, ठीक है, इसके कारण आरोहक कमजोर और स्पष्टतया सोच नहीं पाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, और बच्चों इसमें क्या होता है कि उनकी जो सोचने की पावर है, जो सोचने की क्षमता है ना बेटा वो खत्म हो जाती है। और जो अब ये जो दो चीजें हो रही है कि एक तो कमजोर होना
और दूसरा सोचने की क्षमता बेटा खत्म होला, अगर ऐसे किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं तो इन लक्षणों से बेटा एक रोग होता है, उस रोग को हम बोलते हैं एलोक्सिया। क्या बोलते हैं बच्चों? एलोक्सिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक नंबर के एफसीक्यू में भी आया था कि एलोक्सिया रोग में क्या होता है। तो एक तो पहली बात सोचने की क्षमता जाती है, दूसरी चीज जो इसमें होती है वो होता है शरीर जो है कमजोर हो जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए ये चीज सबके समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, बन जा रहा है बेटा आज के सेशन में। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखो। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटोनिक विलयन में होता है। आइसोटोनिक बच्चों, आइसोटोनिक को हिंदी में बोलते हैं समपरासरी। क्या बोलते हैं बच्चों? समपरासरी। समपरासरी ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब बच्चों समान होता है उन्हें कहा जाता है समपरासरी। क्या बोला जाता है बेटा? समपरासरी बोला जाता है। तो बच्चों यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आइसोटोलिक विलयन में क्या होता है भाई? परासरण दाब होता है, क्योंकि ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है। ठीक है बच्चों? तो भाई ये तीनों चीजें तो आ ही रही इसमें, तो बेटा सीधी सी बात है परासरण दाब आ रहा है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई बात? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस लाजवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बोला, यदि किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो इसकी मोलरता क्या होगी? तो इसकी मोलरता क्या होगी? अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बता दे फटाफट। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और भी मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए है, तो जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बच्चों क्या होगा? तो देखो भाई कैसे निकालेंगे इसको, यदि किसी विलयन के 200 मिलीलीटर पर 2 ग्राम NaOH घुला है, विलेय का द्रव्यमान दिया है आपको, देखो पहले निकालो इसको, विलेय का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है सर विलेय का द्रव्यमान? बेटा विलेय का द्रव्यमान आपको दिया है कितना? कितना दिया बच्चों? 2 ग्राम। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ साथ आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। विलेय क्या है बच्चों? यहाँ पर विलेय है LaOH। क्या है विलेय अपने पास यहाँ पर? LaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा बेटा? विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बच्चों क्या होता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल होता है भाई। कितना होता है बच्चों? 40 ग्राम पर मोल। क्लियर? 40 ग्राम पर मोल। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया। अच्छा निकालना आपको बच्चा सिखा ही रखे, बहुत बार बच्चों को सिखा दिया आपको निकालना, अब ये मत बोला गुरुजी निकालना नहीं सिखाए, पिछले वाले वीडियो में भी सिखाए, इस वाले पहले क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो उसमें भी सिखाए। ठीक है, तो देखो आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, तो 40 ग्राम पर मोल अपने पास हो गया, अब हमको निकालनी है विलयन की मोलरता। तो मोलरता कैसे निकालते हैं भाई? बहुत सिंपल है। देखो अभी आपको सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल निकाल लो, चलो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, मोल निकाल लो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोल की संख्या। विलेय क्या है बच्चों? LaOH। जाहिर सी बात है विलेय, विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। भाई विलेय का द्रव्यमान क्या है? 2 है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है बेटा? 40 है। कितना बेटा? 40 है। तो कितना आएगा बच्चे? 1/20 आ जाएगा ये। 1/20 बोले तो कितना होगा? 20 बल्जे 100, 0.05। क्या ऐसा होगा? क्या इतने बोल आएंगे? यस या लो कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, यस या लो, क्या इतना अपने पास आंसर आएगा? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या इतना आंसर हमारे पास आएगा? ठीक है, आएगा ना?
आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब जब ये निकाल लियो तो बोलड़ता निकाल लो तो बड़ा आसान, हमको बोलड़ता ही तो निकाल ली है इसमें। तो बोलड़ता इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, विलय के बोलों की संख्या, विलय के बोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.05 आई थी। ओके सर, बेटा नीचे क्या आता है, विलयल का आयतल, विलयल का आयतल कितना दिया 200 ml, तो 200 रख दो। अब बच्चों चूंकि यहां पर आयतल मिली लीटर में दिया है तो इंटू 1000 तो लगेगा ही लगेगा, जहां नहीं दिया गया होता वहां लीटर में दिया होता तो ली लगाते। ठीक है बच्चों, अब क्या करो देखो, सबसे पहले पॉइंट को हटा दो साहब, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे ये पूरा गेम खेल जाएगा। तो बच्चों देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, दो अंक है, तो दो जीरो नीचे बढ़ा दो पहले, तो जाएगा 5 × 1000 बटे कितना 200, तो पहले से था 2 0 ये बढ़ा दिए। तो बेटा देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, दूसरे से दूसरा भी कैंसिल, तीसरे से तीसरा भी कैंसिल। अब जब तीसरा कैंसिल हो गया तो बच्चों कितना आया अपने पास, कितना आया 5/20, 5/20 आया भाई। 5/20 बोले तो 5 × 20, 5 × 20 बोले तो 1/4, 1/4 बोले तो 0.25। वाह बस आ गया क्या, बोल पर लीटर, बोल पर लीटर, बहुत शानदार। क्या ऐसा कोई आंसर आ रहा है, क्या ऐसा कोई आंसर आ रहा है बच्चों, 0.25, यस यस यस, दिस वन, यस ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, बजा आ रहा है क्वेश्चन कर ले बेटा, और बचाएगा, समझ भाई बात। चलो बेटा अब चले आगे, तो देखो ये भी हो गया, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पाली के साथ साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं बच्चों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, जहां बच्चों बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, यहाँ भले यहाँ हमारे उत्तराखंड में जैसे कि नैनीताल है, और बेटा बहुत बहुत सारी जगह है जहाँ ठंडा होता मतलब, तो बेटा वहां पर हम क्या करते हैं ला, कार के रेडिएटर पर बेटा पाली के साथ साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डालते हैं। क्यों डालते हैं पता है बच्चों, क्योंकि ये चीज करता है वो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ठंडे में बेटा पाली के हिमाग को घटाता है, ठंडे में क्या कर देता है बच्चों, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और गर्मी में बढ़ा देता है। मजे की बात है ना बच्चों, ये देखो गर्मी में ये क्या करता है, कोथला को बढ़ा देता है, ठंडे में ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, और बेटा अगर गर्मी में डालोगे तो ये उसके कोथलाक को इंक्रीज कर देता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए बच्चों ये गाड़ी में रेडिएटर में जब पानी डालते हैं तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। समझ में आ गई बात, ये तीन बिल्कुल भी लियोगे इसका आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है, वायुमंडलीय। ठीक है बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक बेटा पॉल्यूशन होता है उसको मापने के लिए हम कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं, चलो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जिसने इसका आंसर बताया वही बलेगा शक्तिबाल, वही बलेगा शक्तिबाल, वही बलेगा शक्तिबाल। कमेंट्स डाउन बचा पार्टी, कमेंट्स डाउन, फटाफट से इसका आंसर बता दो बच्चों, जल्दी से भाई फटाफट से, हाँ तेरी लाकर ली बच्चों। तो देखो वायुमंडलीय प्रदूषण बेटा किस इकाई में मापा जाता है बच्चे, पीपीएम में मापा जाता है भाई, किस में मापा जाता है बेटा, पीपीएम में, किस में, पीपीएम बेटा। पीपीएम का मतलब क्या होता है बच्चों, पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है भाई, पार्ट्स पर मिलियन, ये बच्चों पीपीएम का मतलब होता है। समझ में आती है क्या बात, क्या बात समझ में आती है, क्या पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है, यस या फिर नो, कमेंट डाउन, होता है ना, फोन किसका आ रहा अभी, हाँ ठीक है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। खत्म हमारे 10 सवाल बेमिसाल। तो आज का सेशन बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने सारे क्वेश्चंस को जो है यहां पर कवर कर दिया है। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, दिवाली की सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और बेटा दिवाली के उपलक्ष्य में आपके लिए क्या है, बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर हमारे कोर्सेज में बच्चों, 25% जो है डिस्काउंट चल रहा है, जिस पर आप सभी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आपको एक खबर उस पर चला स्पिल करो, विल करो। तो जैसे ही आप स्पिल करेंगे आपको ऑलरेडी उस पर देखना पड़ेगा कि इस पर पॉइंट पे जाता है, तो आप विल कर जाएंगे, यानी आप कितना परसेंट डिस्काउंट पाते हैं वो उस पर पता चलेगा आपको। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ आपको पता है नहीं सर आए हैं और डिस्काउंट ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सर, तो बेटा आपको डिस्काउंट कराने के लिए बच्चा हब ले, आप अगर हमारा ये वाला कोड यूज करते हैं SCS17, तो बेटा कूपन कोड जब आप ये वाला लगाएंगे ना तो मिलेगा इस पर डिस्काउंट। तो बेटा आप डिस्काउंट करके ये अप्लाई करेंगे कोड को और देल बच्चों आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो ऐसे बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, जो CUT के एग्जाम में बचाना चाहते हैं, जो CUT के एग्जाम को क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं, जो दिल्ली देख रहे हैं, जो BHU में जाना चाहते हैं, जो जाविया में जाना चाहते हैं, जो हिंदू कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो सारे सारे प्यारे बच्चे हमारे इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। बेटा इस बैच के अंदर स्पेशल क्या है, इस बैच के अंदर बच्चों स्पेशल जो है आप लोगों के लिए, वो एक तो भाई लाइव क्लासेस सारी होती है, उनकी रिकॉर्डिंग्स बेटा आपको मिलती है, साथ साथ बच्चों आपको PDF लोड्स प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अब आपको देते हैं हेड रिटन लोड्स। इसी के साथ साथ बच्चों आपके होते हैं इसमें मॉक टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी और भी हो एकदम बेहतर। और बच्चों यहां तक कि जब आप लाइव क्लास लेते हैं, जैसे आप मोबाइल पर बात करते हैं ला, उसी समय आपकी उस पर बेटा एक डाउट बटन होता है, आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं बेटा डायरेक्टली आप हमसे कलेक्ट हो जाते हैं, और आप जैसे मोबाइल पर बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही आप अपने लाइव क्लास के दौरान डाउट पूछ सकते हैं। यही नहीं बच्चों, हम वीक के एंड में क्या करते हैं बेटा, आपके लिए एक डाउट सेशन भी स्पेशल रखते हैं, ताकि अगर किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट छूट गया होता है तो सेशन में वो कवर हो जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों ये डाउट सेशन तो आपके लिए है ही है, इसी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज मिलती है, मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलते हैं, और भी बच्चों यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलती है, तो बहुत सारी चीजें बेटा इसके अंदर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पहले से इसमें इनरोल्ड है, और बाकी सब कुछ तो डिटेल आपको बता दिया भाई। डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड आपको लगाना है। अब जो बच्चे इस ग्रुप में अगर जुड़ने में उनको कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 47 का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ला बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पर भी हमारे ऐप का लिंक दिया गया होगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे बेटा तो आपको क्या करना है, ऐप ठीक है डाउनलोड करके सीधे यूजी एग्जाम्स वाले पे जाना है, अपने को रजिस्टर करना है, यूजी एग्जाम्स वाला जो होगा उस पर जाना है, उस पर जाके CUT को सिलेक्ट करना है। CUT में जब जाओगे तो बेटा आप वहां पे सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि CUT में ही और बोर्ड का सिलेबस एक ही है, तो भाई अच्छे से तैयारी होगी, बस इसी धमाकेदार। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ आपको उसके अंदर कराया जाएगा बढ़िया तरीके से, और आप उसके अंदर इनरोल हो सकते हैं बच्चा पार्टी। और अगर किसी बच्चे को कोई भी इशू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाला, वहां पर आपको गूगल फॉर्म दिया है, आप गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे बेटा, वहां पर अपना लाभ अपना नंबर, आप कहाँ से हैं और आप कौन से सर से बात करना चाहते हैं वो आपको वहां पर दिख जाएगा। तो अगर आप शेखर सर से बात करना चाहते हैं तो आप शेखर सर पर क्लिक करेंगे, अगर वाजदेव शेखर सर का लाभ नहीं हो क्योंकि शेखर सर इल्यू है इस प्लेटफॉर्म पे, तो बेटा आप अदर सर करके वहां पर लिखा होगा वहां पर लिख दीजिए शेखर सर, तो बेटा डायरेक्टली उसका कॉन्टेक्ट जो है वो मेरे पास पहुंच जाएगा, और अगर आपको कोई भी इश्यू कोई भी प्रॉब्लम तो डायरेक्टली बेटा आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। समझ में आ गई पहली बात, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सारी चीजें देखो आपको समझ में आ गई, सब कुछ पहले बता दिया, फिर भी बेटा अगर आपको कोई इश्यू होगा ना तो आप क्या करना, ये कमेंट बॉक्स है ना बेटा इस वीडियो का, उस पर डाल देना। अच्छा बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको मजा आया कि लिया है, तो बेटा आज के कमेंट सेक्शन बेटा जरूर बताना, सभी बच्चे सबका कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लगी, ये भी सब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा, और आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, मां लक्ष्मी जो है बेटा आशीर्वाद आप लोगों पर बला रहे, और ऐसे ही आप निरंतर आगे को प्रगति करते रहे, तरक्की करते रहे। आज के सेशन को बेटा यहीं पर अपन एंड करते हैं, फिर से एक बार जय हिंद।